हेलो डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीपेट डिस्कशन सेंटर। एएसआईसी फार्मासिस्ट मैराथन की इस सीरीज में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर 6। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको एएसआईसी फार्मासिस्ट ये जो मैराथन सीरीज है इनमें जितने भी क्वेश्चन हैं जरूर एक बार देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये रहेंगे। चलिए सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी टॉपिक से कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फेमोटिडिन इज अ, ठीक है, फेमोटिडिन किस प्रकार से वर्क करता है दिया गया है। H2 एंटागोनिस्ट है, H1 एंटागोनिस्ट है, बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है। क्या इफेक्ट देता है, तो आपको एक सफिक्स याद रखना है जो कि है टिडिन। जितने भी टिडिन वाले जो सफिक्स वाले ड्रग हैं वो किस में आते हैं, वो H2 एंटीहिस्टामिनिक ये होते हैं। और H1 एंटीहिस्टामिनिक का ट्रिक मैंने पहले ही आपको बतला दिया है और प्रीवियस जितने मैराथन है जाकर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब ये H2 एंटागोनिस्ट कौन होते हैं, हिस्टामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जितने भी टिडिन वाले ड्रग हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फेमोटिडिन करेक्ट आंसर। मैंने आपको पहले भी जैसे कि सिमेटिडिन, रानीटिडिन, टिडिन जहां आया वो हो जाएगा H2 एंटागोनिस्ट। ठीक है, H2 हिस्टामिन एंटागोनिस्ट मींस H2 एंटीहिस्टामिनिक कहलाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग एंटीकोलिनर्जिक की यदि बात कर ले तो आपने देखा होगा जेपिन। ठीक है, क्या याद रखना, पायरिन जेपिन, टैलिन जेपिन, ये सारे क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग मैं आपको बतलाते जा रही हूँ, कुछ सफिक्स से आप लोग याद रखते जाइएगा। जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की हम बात कर लेते हैं तो इनके भी सफिक्स को आपको याद रखना है जो कि है प्राजोल। ठीक है, जितने भी प्राजोल आएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, ये सारे प्राजोल जैसे ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, ये सारे प्राजोल में आते हैं। अब H2 आया मींस टिडिन, प्राजोल आया मींस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जेपिन आया मींस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ओके, तो इनके सफिक्स से आपको इनके क्लासिफिकेशन याद रहेंगे। नेक्स्ट चलेंगे इबोप्रोफेन एक्ट ऑन। इबोप्रोफेन कहाँ पर एक्ट करता है, लिपोऑक्सीजिनेज पाथवे, साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे दिया है, काइनिन सिंथेसिस दिया गया और सेरोटोनिन सिंथेसिस। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, इबोप्रोफेन के बारे में हमने स्टडी भी किया है, इसका आंसर आपको खुद ही देना चाहिए। जो हमने कब देखा था, जितने भी जैसे कि कॉक्स जब हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है, कॉक्स इनहिबिटर के बारे में हमने जब स्टडी किया था, इबोप्रोफेन, ठीक है, ये क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग होते हैं, NSAID जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, मेनली कॉक्स को इनहिबिट करते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज। ओके, कॉक्स जिससे क्या बनते हैं, आपका प्रोस्टाग्लैंडिंस बनता है ना, तो इसी को इनहिबिट करता है ये इबोप्रोफेन, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग होते हैं। नेक्स्ट चलेंगे अ पेशेंट ऑन एस्प्रिन विल हैव इंक्रीज इन। अब देखिए पेशेंट जो कि क्या ले रहा है, एस्प्रिन ले रहा है। अब एस्प्रिन आप भी बहुत लेते हैं, ये कॉमन ड्रग है ये, तो एस्प्रिन जब आप लेते हैं तब क्या चीज़ें होने की, क्या चीज़ें इंक्रीज होने की चांसेस होती है। देखिए अब ये एस्प्रिन का एक इफेक्ट होता है जो कि क्या है, एंटी प्लेटलेट ये होते हैं, तो प्लेटलेट बनने से क्या कर देंगे, एंटी प्लेटलेट है तो प्लेटलेट बनने से इनहिबिट कर रहे हैं, इट मीन्स क्या हो रहा है, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज कर देगा एस्पिरिन, क्योंकि ये क्या है, एंटी प्लेटलेट की तरह एक्ट ये करते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, एंटी प्लेटलेट, इसी कारण ये ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट है द स्केलेटल मसल रिलैक्स एंड काउजिंग सिग्निफिकेंट हिस्टामिन रिलीज इज। अब इनमें से कौन सा ऐसा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है जो कि क्या करेगा, साथ ही साथ हिस्टामिन के रिलीज को भी इंक्रीज करता है, कहाँ से, मास्ट सेल्स से। ठीक है, मास्ट सेल से हिस्टामिन को रिलीज कराएगा, तो वो है आपका D2-bacuronin। ठीक है, D2-bacuronin क्या है, एक ऐसा स्केलेटल मसल जो रिलैक्सेंट है, जो क्या करेगा, साथ ही साथ हिस्टामिन रिलीज को भी कराता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, चलिए अप्रो ड्रग ऑफ टर्ब्यूटालिन इज। टर्ब्यूटालिन का प्रो ड्रग क्या है, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था प्रो ड्रग क्या होते हैं, हमको एक ड्रग बना उसके अंदर ही क्या रहेंगे, मेन एक्टिव ड्रग रहेंगे, ताकि वो प्रोटेक्शन के लिए मेनली हम उनको बनाते हैं, जैसे एसिडिक इन्वायरमेंट है तो उनसे यदि वो डिग्रेडेड हो जा रहे हैं तो उनसे सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रो ड्रग मीन्स एक लेयर उनमें लगाया जाता है, जो कि क्या होगा, मेटाबोलिज्म होने के बाद एक्टिव ड्रग ये बनते हैं। तो टर्ब्यूटालिन का जो प्रो ड्रग है वो क्या होगा, वो है आपका बेम्ब्यूटेरॉल। ठीक है, बेम्ब्यूटेरॉल किसका प्रो ड्रग होता है, मतलब भाई प्रो ड्रग ऑफ टर्ब्यूटालिन का है बेम्ब्यूटेरॉल। ठीक है, बेम्ब्यूटेरॉल प्रो ड्रग है टर्ब्यूटालिन का, और ये क्या होते हैं, ये जो आपके कार्बामेट एस्टर प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, टर्ब्यूटालिन की बात करें, बिम्बेट्रॉल। ओके, नेक्स्ट चलें, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में अकर बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग।
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो कि क्या होता है, मेनली जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें डिफेक्ट हो जाता है बर्थ में, तो अब उसको हमें क्या कहते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और एंटी सीजर ड्रग मीन्स एंटी कन्वल्सेंट, ऐसा कौन सा एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट काउज करेगा, तो वो है आपका वेलप्रोइक एसिड, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंटी सीजर ड्रग मीन्स क्या हो गया, आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है ना, जिसको एंटी कन्वल्सेंट्स के भी कहेंगे, जैसे कि 21 क्या होता है, इसको हिंदी में बात करें तो उसको जैसे मिर्गी कहती हैं, है ना, तो मिर्गी के लिए यूज़ होता है ड्रग, उनमें है आपका वेलप्रोइक एसिड, जहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी कंडीशन आती है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे मेनली बर्थ डिफेक्ट है, जो स्पाइनल, यहाँ पर आप देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड में ये डिफेक्ट हो जाता है, जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है एंटीकोग्यूलेंट ग्लाइकोसिल अमीनोग्लाइकॉन इज, एंटीकोग्यूलेंट ड्रग इनमें से कौन सा है जो कि ग्लाइकोसिल अमीनोग्लाइकॉन कैटेगरी का रहेगा, ठीक है, जो होगा आपका हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन क्या होगा, आपका वारफेरिन दिया है, हिपेरिन दिया है, सारे क्या है आपके, ये मैं बता रही थी कि एंटीकोग्यूलेंट्स है, एंटीकोग्यूलेंट का मैंने आपको हिपेरिन और वारफेरिन में डिफरेंस भी बताया कि किसे आई वी रूट मीन्स किसे हम पेरेंटरली लेंगे और किसे ओरली लेंगे, किसे ओरली लेंगे बताइए, कमेंट करिएगा, क्योंकि इसके बारे में हमने जस्ट प्रीवियस मॉडल पेपर में देखा है, ठीक है। तो जो ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकन की बात करेंगे तो आपका जो हिपेरिन है, ठीक है, हिपेरिन को मेनली हम एनिमल सोर्स भी लेते हैं, इनके आपके इंटेस्टाइन से, ठीक है, इंटेस्टाइन से भी लिया जाता है, एनिमल टिश्यू के इंटेस्टाइन से भी इनको लेते हैं, ओके। तो ये जो आपका हिपेरिन है जो कि एंटीकोग्यूलेंट है, जिसको हम क्या करेंगे पेरेंट्रल रूट से लेते हैं, ये ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकॉन्स ये होते हैं। ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकॉन मींस मेनली एक क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है जो कि हेट्रो, ठीक है, हेट्रो होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, सेलेक्ट द बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर, बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर इनमें से कौन सा है, ग्रीसोफ्लुविन दिया गया है, क्लेविलोनिक एसिड दिया गया है, सल्फामेथॉक्सोजोल दिया गया है, टेट्रासाइक्लिन, तो आपको पता है टेट्रासाइक्लिन तो हो ही नहीं सकता, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, और बीटा लैक्टमेस क्या होता है, ये तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है ना, तो जो आपका बीटा लैक्टमेस बोला गया है, ओके, बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर क्या है, तो वो है क्लेविलोनिक एसिड, ठीक है। फिर आगे मैं आपको और दिखाऊंगी जो लैक्टम लैक्टम होते हैं, ठीक है, ये जो आपका जैसे कि सालबैक्टम हो गया, टेजोबैक्टम हो गया, तो आपका जो बैक्टम बैक्टम है, ठीक है, टेजोबैक्टम सालबैक्टम, ये प्रीफिक्स आया, इट मींस ये क्या है, बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर है, साथ ही क्लेविलोनिक एसिड क्या हो जाएगा, इनके अंदर आएगा बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर के। अब यदि हम एसिड रेसिस्टेंट, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए देखिएगा, एसिड रेसिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, जो कि है आपका पेनिसिलिन वी, ओके, पेनिसिलिन वी से क्वेश्चन आता है। अब देखिए पेनिसिलिनेज, पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन की बात करें तो वो भी मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ लिया जाता है, तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, ये सारे सिंथेटिक पेनिसिलिन है। नेक्स्ट चलेंगे, मोड ऑफ एक्शन ऑफ इमेटिन इज, अब देखिए मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि इमेटिन को हम कहाँ से ऑप्टेन करते हैं, इपिकैक से, और इनका क्या एक्शन होता है, ये जो एमोइबिक एंटी एमोइबिक होते हैं, एमोइबिक मींस क्या होगा, एमोइबिक डाइसेंट्रिक जैसी कंडीशन में इनको यूज़ किया जाता है, पर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ये बात करें तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, जैसे कि आपका टेट्रासाइक्लिन वगैरह सभी जो अमीनोग्लाइकोसाइड ये सारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर थे ना, वैसे इमेटिन जो है वो भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये प्रोटीन से इनहिबिट करेंगे और ये किसमें एक्ट करते हैं, एमोइबिक डिसीज वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। ट्रांसजुक्जिमैब इज अ, ठीक है, ट्रांसजुक्जिमैब किस प्रकार से एक्ट करता है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर भी पूछ लिया गया है, तो ये क्या है, एंटी कैंसर ड्रग है जो कि टारगेटेड होते हैं, टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग में आते हैं ट्रांसजुक्जिमैब, जो कि क्या करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है कह सकते हैं, ये मेनली क्या होता है, HER2 इनहिबिटर है, ठीक है, EGFR और ये HRE, ठीक है, HER2 इनहिबिटर होते हैं, ये क्या है, टारगेटेड, ओके, टारगेटेड ड्रग होते हैं जिनका टारगेट क्या है आपका EGFR और HER2 रिसेप्टर होंगी, ओके। तो ये अब देखिए, चलिए यहाँ पर हमने अभी तक यदि एंटी कैंसर ड्रग की बात करेंगे तो एल्किलेटिंग एजेंट के लिए भी ट्रिक देख लिया था, ओके, और क्या क्या देखा था, साथ ही साथ आपके एंटी मेटाबोलाइट के जितने भी ट्रिक थे वो भी देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग टारगेटेड ड्रग की, तो टारगेटेड ड्रग को भी एक बार देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे BCR-ALB टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर की बात करेंगे तो इसमें आता है आपका इमेटिनिब,
ठीक है, नीलोटिनिब। तो ये जो आपके टिनिब वाले ड्रग है उनको ध्यान रखिएगा, जिसमें से इमेटिनिब और नीलोटिनिब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब जैसे कि HER रिसेप्टर इनहिबिटर है जो आपका, जैसे कि ट्रांसडुक्सिमैब के बारे में देख लीजिए, जेफिटिनिब है, ठीक है, लेपाटिनिब है, ये सारे क्या हैं, GEGF इनहिबिटर होती हैं। अब एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर, स्टार मार्क लगाइए, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर क्या है आपका, बेवासिजुमैब, ठीक है, बेवासिजुमैब जो है आपका क्या होगा, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर होता है। CD20 इनहिबिटर हमेशा पूछा जाता है, इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए, जो कि है रिटुक्सिमैब, ठीक है, रिटुक्सिमैब होगा आपका CD20 इनहिबिटर। नेक्स्ट है ड्रग्स दैट स्पेसिफिकली इनहिबिट्स कैल्शियम यूरिन इन द एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स। अब देखिए कैल्शियम यूरिन इनहिबिटर इनमें से कौन सा ड्रग होता है, ठीक है, तो वो है आपका टैक्रोलिमस। टैक्रोलिमस हमारा कैल्शियम यूरिन इनहिबिटर ड्रग होते हैं। साथ ही साथ साइक्लोस्पोरिन, ये दोनों ड्रग क्या हैं, जो कि कैल्शियम यूरिन को इनहिबिट करते हैं। आगे चलेंगे, द हिस्टामिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम हिस्टिडिन बाय हिस्टामिन, जो कि ऑप्टेन, मतलब कि जो हिस्टामिन हमारा क्या है, ये ऑटोकॉइड्स है, ठीक है, तो इनका सिंथेसिस के लिए हिस्टिडिन से होते हैं। तो इनमें कौन सा एंजाइम, मतलब कौन सा कैटेलाइज जो यूज होता है, कैटलिस्ट क्या है जो यूज होगा हिस्टामिन के प्रिपरेशन में या फिर फॉर्मेशन में कह सकते हैं, या क्या, मैथिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और एसिटाइडेशन, एस्टेरिफिकेशन। तो यहाँ पर हिस्टिडिन से हिस्टामिन बनने के लिए डीकार्बोक्सिलेशन किया जाता है, तो हिस्टिडिन डीकार्बोक्सिलेज यहां पर यूज होता है। इट मींस यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है जब हिस्टामिन बनता है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, ठीक है, माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर और इनहिबिटर से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, सोडियम वेलप्रोएट, आइसोनियाजाइड, साइक्लोस्पोरिन एंड बारबिट्यूरेट्स। तो यदि हम बात करें इंड्यूसर की, तो इंड्यूसर केवल यहाँ पर बारबिट्यूरेट है, बट साइक्लोस्पोरिन, आइसोनियाजाइड और सोडियम वेलप्रोएट ये सारे क्या हो जाएंगे, माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। चलिए इनको ट्रिक से याद रखेंगे, यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग, दिया गया है जैसे कि आपको G2P2RS सेल फोन से आपको याद रखना है, ठीक है, तो ग्रीसोफ्लुविन हो गया, ठीक है, फेनिटोइन है, ये सारे क्या है, इंड्यूसर है, रिफाम्पिसिन है, स्मोकिंग, जिससे कि एंजाइम इंड्यूस होगा, मेटाबॉलिज्म में इंक्रीज यहाँ पर होगा। पर एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर को seekface.com से याद रखिए। सोडियम वेलप्रोएट, साइक्लोस्पोरिन हो गया, आइसोनियाजाइड है, केटोकोनाजोल हो गया, ये सारे किस में आ जाएंगे, एल्कोहल कह लीजिए, ये सारे एंजाइम इनहिबिटर के एग्जांपल होंगे। सिमेट्रिडिन भी होगा आपका एंजाइम इनहिबिटर, तो इनको पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, सेल वॉल सिंथेसिस इज इनहिबिटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, अब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के बारे में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, याद रहेगा, याद होगा आपको, जो कि एक क्या था, एक आपका बिजनेसमैन था जो कि क्या करता था, पेन बेच रहा था, है ना, ये बताया था, पेन बेचकर उसने क्या लिया, पेन बेचकर उसको मनी मिली, तो उसने मनी से क्या लिया, साइकिल लिया, वैन लिया, ठीक है, ये हमने स्टडी किया, ठीक है, साइकिल, वैन लिया। अब देखिए पेन से हो जाएगा पेनिसिलिन, बेस से हो जाएगा बेसिट्रेसिन, ठीक है, मनी से हो जाएगा मोनोबैक्टम, से हो जाएगा सिफेलोस्पोरिन, ठीक है, अब आपका साइकिल से साइक्लोसेरिन हो जाएगा, और वैन से वैनकोमाइसिन, ठीक है, वैनकोमाइसिन ये हो गया। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, यदि हम बात कर ले, वैनकोमाइसिन दिया ही गया है, तो आपका क्या है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। टेट्रासाइक्लिन जो है हमारा, वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये पूरे आपकी क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, मैंने प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर सबके ट्रिक आपको बतलाए हुए हैं, रिकॉल आपको बस करना है। नेक्स्ट है, ऑल प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्वस सेक्रेट, ठीक है, जितने भी आपके प्री गैंग्लियोनिक नर्वस हैं वो क्या सेक्रेट करते हैं, मीन्स जो इनका प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियो होता है, ठीक है, तो प्री गैंग्लियोन में कौन सा जो नर्व, उसमें क्या चीज़ें सेक्रेट होती है, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर कौन सा ऐसा सबस्टेंस है जो कि रिलीज होगा प्री गैंग्लियोनी से, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ऑटोनॉमिक नर्वस में, तो वो क्या होते हैं, वो होता है आपका एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन मेनली प्री गैंग्लियोन में यहाँ पर सेक्रेट ये होते हैं, ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक, जहाँ पर क्या होता है, ये आपके डेंड्राइमर्स इस प्रकार से आप देख पाते हैं, तो ये क्या है, प्री गैंग्लियोनिक की बात करेंगे तो मेनली एसिटाइल कोलिन को याद रखिएगा आप, ठीक है,
नेक्स्ट चलें, अब देखिए सारे फिर हो गए फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन, अब आएंगे हम HECP और HEP के क्वेश्चन में। व्हाट इज मीन्ट बाय एथ्रोप्लास्टी, ठीक है, एथ्रोप्लास्टी इस टाइप के टर्म जरूर से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इन टर्म को आप लोग देख के जाइएगा। प्रीवियस क्लास में भी हम लोग साइटोलॉजी ये सारी चीज़ों को देखा था कि किसे कहते हैं, हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, पैथोलॉजी किसे कहा जाता है, तो उन टर्म को याद रखिएगा। अभी यहाँ पर एथ्रोप्लास्टी दिया गया है, तो ये क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ अ ज्वाइंट। क्या किया जाता है यहाँ पर, जो आपका ज्वाइंट है उनके फंक्शन को आपको क्या करना है, रिस्टोर करना है, तो उसकी स्टडी को यहाँ पर एथ्रोप्लास्टी कहा जाता है। मीन्स इस जो सर्जिकल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को जहाँ पर ज्वाइंट का रिस्टोर किया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एथ्रोप्लास्टी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है अकरेंस इन द कम्युनिटी ऑफ अ नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज दैट इज अनयूजुअली लार्ज और अनएक्सपेक्टेड। देखिए अब देख यहाँ पर आपने ज़रूर से जब कोरोना के टाइम पेंडेमिक एपिडेमिक ये सारी कंडीशन बहुत सुनी होगी, इसमें कन्फ्यूज़न भी होता होगा, तो ये क्या होते हैं चलिए जानेंगे। एंडेमिक की बात करें, इन तीनों में ही ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है। एंडेमिक की बात करेंगे तो ऐसा कोई डिसीज़ और कंडीशन जो कि ये पूरा आपका समझ लीजिए ये है अर्थ, तो कुछ कुछ एरिया में है और परमानेंटली होता है उसको हम क्या कहेंगे, एंडेमिक कहेंगे। एपिडेमिक की बात करेंगे तो ये पूरा आपका अर्थ है, तो इस छोटे से मीन्स कम्युनिटी मतलब समझ लीजिए एक पूरा अमेरिका बस है, इसी बस में ये जो डिसीज और डिसऑर्डर है वो इंक्रीज होता जा रहा है इसी एरिया में, तब उसको कहेंगे एपिडेमिक, ठीक है, ये पूरे पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में होने लगे वो डिसीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो भी, तब उसको जाकर हम पेंडेमिक कहते हैं, जैसे कि आपने देखा कोरोना अभी, ठीक है, जो कि क्या था, एक पेंडेमिक था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर एपिडेमिक हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो कि दिया गया है आपका पर्टिकुलर एरिया में लार्ज अमाउंट में होने लगे तो उसे हम एपिडेमिक कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द करेक्ट स्ट्रेंथ इन अ सोडियम क्लोराइड इन अ नॉर्मल सिलाइन आईवी बैग इज, ठीक है, नॉर्मल सिलाइन आईवी बैग में हम लोग जो सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% होना चाहिए भाई, है ना, वरना इससे ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाता है, हाइपरटॉनिक कंडीशन ये हो जाएगा जो कि हमारे ब्लड के लिए सही नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट चलें, फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ नॉन कंपाइलेंस एक्सेप्ट। देखिए कंपाइलेंस मीन्स क्या होता है, जैसे कोई प्रिस्क्रिप्शन मिला है तो उनका हमें पालन करना है कि आपको ये दवाई दो टाइम लेनी है तो दो टाइम ही ले, जो जो चीज़ें खाने को बोला गया है वही चीज़ें ले, वो क्या कहलाएगा, कंपाइलेंस। और यदि देखिए ये जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया मीन्स नॉन कंपाइलेंस, तब क्या हो सकता है, यदि नॉन कंपाइलेंस मीन्स जो प्रोसीजर दिया गया है, प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसे फॉलो ना किया जाए तो क्या क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ एडवर्स रिएक्शन ऑफ ड्रग, हाँ भाई एडवर्स इफेक्ट दिख सकता है ड्रग का, रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, टॉक्सिसिटी भी कर आ सकता है यदि आप उसका सही से फॉलो नहीं किए ड्रग को, ठीक है, रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन ये तो होना ही है, सही से आप उस शेड्यूल में दिया गया ड्रग को आप लेंगे नहीं तो क्या होगा, रिकरेंस तो होगा ही वो इन्फेक्शन का, ठीक है, आपको बोला गया था आप 4 दिन इस ड्रग को लेना है, आपने 2 दिन में ही उसको बंद कर दिया, इट मीन जो आपका इन्फेक्शन है वो तो फिर से आना ही आना है। अब दिया गया एलर्जिक रिएक्शन, तो ये एलर्जिक रिएक्शन जब आप पालन करें ना करें वो एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है और हो सकता है कई ड्रग एलर्जिक होते हैं, तो यदि आप उन शेड्यूल का पालन भी करें तो भी एलर्जिक होने की कंडीशन होती है, इसीलिए यदि नॉन कंपेलियंस की बात करें, ठीक है, यहाँ पर यदि पालन नहीं किया गया है तो भी क्या होता है, एलर्जिक कंडीशन हो सकता है, इसीलिए एक्सेप्ट दिया गया है तो ये आंसर हो जाएगा करेक्ट जो कि है एलर्जिक कंडीशन। ओके, चलिए अब कुछ फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड फॉर्म इज यूज्ड टू ट्रीट माइग्रेन, ठीक है, माइग्रेन के लिए कौन से ड्रग है उनको यूज करेंगे, कौन से एल्केलॉइड हैं, ऑप्शन है विनका, कोका, रिगट एंड बेलाडोना, ठीक है, बेलाडोना को आप जानते हैं, बेलाडोना क्या है आपका, जहाँ पर से एट्रोपिन ऑब्टेन होता है और ये मेनली क्या होता है, माइड्रेसिस की तरह यूज में आते हैं, ठीक है, इरगॉट जहाँ पर इर्गोमेट्रिन ऑप्टेन होता है आपको, ओके, इर्गोमेट्रिन ही क्या करता है, ये माइग्रेन की तरह एक्ट करता है, इरगॉट के जितने भी जो आपके ड्रग होंगे, ठीक है, ये क्या है आपको माइग्रेन में यूजफुल होंगे, इर्गोटामिन, इर्गोमेट्रिन, ये सारे बहुत से ड्रग यहाँ पर ऑप्टेन होते हैं, ठीक है, कोका और विनका, विनका तो भाई विनका एंटी कैंसर ड्रग है, इनसे क्वेश्चन आता है, एंटी कैंसर ड्रग है विनका, ओके, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन इससे ऑप्टेन होते हैं। नेक्स्ट चलते जाएंगे, इरगॉट हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर,
mesocarp contain lignified and reticulate parenchyma is diagnostic feature of, ठीक है, तो mesocarp जहाँ पर present हो, ठीक है, lignified और reticulate parenchyma हो, ऐसा कौन सा drug है, दिया गया anthem gravulans, funiculum vulgari दिया गया और myristica फ्रेगनेंस एंड नन, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ये आपका फेनल, जिसे हम क्या कहते हैं, फोइनिक्यूलम वल्गेरी, तो ये है क्या, फेनल, फेनल को ही क्या कहते हैं, फोइनिक्यूलम वल्गेरी हम कहते हैं, और इसी में जो मेसोकार्प हैं जो लिग्निफाइड होंगे और रेटिकुलेट पेरेन्काइमा इनका डायग्नोस्टिक फीचर होता है, ओके, मेसोकार्प कंटेनिंग लिग्निफाइड मीन्स लिग्निन इसमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिडेन हेयर ट्री, ठीक है, मिडेन हेयर ट्री के बारे में मैंने आपको बताया भी है बहुत बार, ओके, किसे कहते हैं, चलिए आंसर कहेंगे, जो कि है, बताते जाइए, जिनको, ठीक है, जो कि है जिनको, मिडेन हेयर ट्री, मिडेन हेयर ट्री हम किसको कहते हैं, जिनको कहते हैं, डिजिटलिस आप जानते हैं, बहुत ही सुंदर सा प्लांट होता है, कार्डियोटॉनिक प्रॉपर्टी ये रखता है, थीवेटिया दिया गया है, लिक्योरिस, लिक्योरिस को हम मूलेठी भी कहती हैं, तो मिडेन हेयर ट्री हम जिनको को कहा जाता है, ओके, जिनको बायलोबा इसका क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम है, एंड जिनको ऐसी इनकी फैमिली होती है। नेक्स्ट है, पोडोफाइलम इज यूज्ड फॉर, पोडोफाइलम, पोडोफाइलम मेनली क्या होता है, जिसे हम लोग एटिपोसाइड्स बनाते हैं, अब आपको ध्यान आ गया होगा कि एटिपोसाइड किसके लिए यूज होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो जो पोडोफाइलम है वो मेनली ओवेरियन कैंसर के लिए यूजफुल होती हैं, ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, ये क्या है आपके एंटी कैंसर ड्रग होते हैं, एटिपोसाइड से सिंथेसाइज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गम हैव एंटी डायबिटिक एक्टिविटी, इनमें से कौन सा ऐसा गम है जो कि एंटी डायबिटिक एक्टिविटी भी रखता है, दिया है अकेसिया, गौर, जैंथन एंड लोकस्ट बीन, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, जो आपका गौर गम है, ठीक है, गौर गम में होता है एंटी डायबिटिक एक्टिविटी, ओके, अगार तो आपका जो अकेसिया है, अगार यदि बात करें वो भी क्या होता है आपका गम में आएगा, ठीक है, तो ये जो आपका जितने भी होते हैं वो मेनली सॉलिडिफाइंग वगैरह नेचर रखते हैं, बट जो गौर है, गौर को आप लोग एक मेडिसिनली एक्टिविटी याद रखिए जो कि है एंटी डायबिटिक एक्टिविटी, तो ये रखते हैं आपका गौर है, ये है हाइपोग्लाइसिमिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मीन्स हाइपोग्लाइसिमिक मीन्स क्या कर रहा है, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी रखता है। नेक्स्ट चलेंगे, रिंग प्रेजेंट इन द विटामिन के स्ट्रक्चर इज, विटामिन के बारे में हमने देखा था, ये हरी लीफी प्लांट्स वगैरह वेजिटेबल से ऑब्टेन होते हैं, अब देखिए इनमें स्ट्रक्चर क्या होता है, तो दिया गया है नेप्थोक्विनोन, क्रोमेन रिंग, ठीक है, बीटा आयोनिन एंड स्टेरॉयडल रिंग, तो यदि नीचे से चले, स्टेरॉयडल रिंग किसमें प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है विटामिन डी में, है ना, नेप्थोक्विनोन की बात करेंगे, नेप्थोक्विनोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका विटामिन के स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, नेप्थोक्विनोन रिंग प्रेजेंट होता है विटामिन के स्ट्रक्चर में, ओके, साथ ही साथ विटामिन ई को भी देख लीजिए, विटामिन ई क्या होता है, टोकोफेरॉल जिसको हम कहते हैं, इसमें ही प्रेजेंट होता है क्रोमेन रिंग, ठीक है, विटामिन ई में, अब यदि बात करें विटामिन डी को, मैंने आपको बता दिया स्टेरॉयडल रिंग होता है, और विटामिन ए में होता है आपका बीटा आयोनिन रिंग, ठीक है, बीटा आयोनिन प्रेजेंट होता है किसमें, विटामिन ए में। नेक्स्ट चलेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई एनर्जी मॉलिक्यूल इन द लिविंग सेल, ठीक है, लिविंग सेल में जो आपका एनर्जी है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटीपी से करते हैं, जब भी प्रोडक्शन होता है किसी भी एनर्जी का या फिर रिलीज हो रहा है तो हम उसको किस अमाउंट में मेजर करते हैं, तो वो एटीपी के थ्रू ही करते हैं, तो यहाँ पर एटीपी हो जाएगा करेक्ट आंसर यदि हम एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम कहते हैं एटीपी, तो यही क्या है हमारा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है लिविंग सेल में, ओके, कहते भी है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मीन्स इसमें क्या है बहुत ज़्यादा एटीपी है, ऐसा हम लोग जनरली कह भी देते हैं, है ना, तो ये एटीपी है मेनली, वो क्या करता है एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है आपका हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कह सकते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ओके, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये जहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन किसके थे आपके फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, एचसीपी और बायोकेमिस्ट्री से आप यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, देख पाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट सारे ये क्वेश्चन है, आने के इनके चांसेस हैं आपके फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा मॉडल पेपर नंबर 6 और उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टाइटेशन से टॉपिक से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है बेसिकली टाइटेशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड द टाइटेशन, ठीक है,
अगर अपन सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं, ठीक है, AgNO3 का, अपन AgNO3 का यूज करते हैं तो किस टाइप का टार्टेशन होता है, वो ये पूछा गया है। तो देखो सिल्वर है हमारा अर्जेंटोबर्ट्सिलेटेड होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक तो आंसर होगा नहीं, एम्पिरोमेट्रिक भी नहीं होगा, कंडक्टोमेट्रिक भी नहीं होगा, सीधा सीधा होगा अर्जेंटोमेट्रिक टार्टेशन, उसको अपन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन? अर्जेंटोमेट्रिक टार्टेशन बोलते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन टार्टेशन का ये एग्जाम्पल होता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है आपका, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है फाइनली। ये लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में भी यही रिएक्शन होता है, अगर आप याद रखना, लिमिट टेस्ट ऑफ जो क्लोराइड होता है उसमें भी आपका सेम यही रिएक्शन यूज होता है, बिल्कुल सेम रिएक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको प्रेसिपिटेशन टार्टेशन और अर्जेंटोमेट्रिक टार्टेशन अपन लोग बोल सकते हैं कि भाई ये प्रेसिपिटेशन टार्टेशन है और अर्जेंटोमेट्रिक टार्टेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा गया है कि भाई इसका स्ट्रक्चर मुझे बता दो, आइडेंटिफाई, ये खड़ा हुआ है अपने सामने और बोल रहा है यार मेरे को पहचानो तुम लोग, ठीक है, तो भाई अपन को पहचानना है ये कौन है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर अपन, थायो सल्फर वाला है, ठीक है, सल्फर वाला है ये, ठीक है। तो ये आपका देखो ये फ्लोरा भी हो गया हमारा, फ्लोरो वाला ये तो अलग हो गया क्योंकि फ्लोरो तो है नहीं इसमें, ठीक है। हाँ मरकैप्टो भी है आपके पास, और क्या है साथ में आपका थायो बर्ड भी है, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा मरकैप्टो सिक्स मरकैप्टो प्यूरीन है, सिक्स मरकैप्टो प्यूरीन होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है हमारा स्ट्रक्चर है, सिक्स मरकैप्टो प्यूरीन का है, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो ऑलरेडी आपके कैंसिल हो चुके, एंटी कैंसर ड्रग होती है ये, दिख रहा आपको ये सिक्स थायो ग्वानिन होता है, ठीक है, थायो ग्वानिन होता है, इसमें ऐसा ग्रुप होता है वो मरकैप्टो को इंडिकेट कर रहा है। देखो यहाँ पर आपका मरकैप्टो प्यूरीन है, ठीक है, मरकैप्टो प्यूरीन है, सीधे सीधा आपको ये दिख रहा है मरकैप्टो प्यूरीन है, यहाँ पे NH2 नहीं होता, NH2 हो जाता तो ये ग्वानिन बन जाता, ठीक है। तो ये अंतर है, इसमें ध्यान रखना आपको, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट होती है, ग्वानिन का एंटी मेटाबोलाइट होता है, ठीक है। ये भी हमारा डाइहाइड्रोप्यूरीन एनालॉग होता है, ठीक है, याद रखना सिक्स मरकैप्टोप्यूरीन, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अपन को यहाँ पर SH दिया है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा रेजोनेंस के कारण हो जाता है, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली स्ट्रक्चर होता है थायो मरकैप्टो, थायो ग्वानिन का आपका अमीन रहता है, इसमें मरकैप्टो ग्रुप आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। फ्लोराबीन 5 फ्लोरोयूरेसिल हमारे एंटी कैंसर ड्रग होते हैं। नेक्स्ट है लूनर कास्टिक, क्या होता है भाई लूनर कास्टिक जो होता है, हमने एक बार आपको लास्ट में डिस्कस कराया था बेटा, लूनर कास्टिक को मैंने AgNO3 लिखा था वहां पर, ठीक है। तो ये AgNO3 को क्या बोलते हैं, लूनर कास्टिक बोलते हैं, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोलते हैं बेटा, लूनर कास्टिक बोलते हैं, ठीक है, ये उसका कॉमन नेम होता है। देखो देखो यहाँ पर लिखा है हमारा, देखो लूनर कास्टिक क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, ये कहाँ यूज होता है भाई मेरे, अपन को याद रखना क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में यूज होता है और अपना प्रेसिपिटेशन टाइटेशन में यूज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप। कहाँ पर यूज होता है आपका, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में, और आपके ये माइल्ड सिल्वर प्रोटीन जो होता है अर्जुराइल बोलते हैं, ठीक है, बैक्टीरियोस्टेटिक होता है, ठीक है। मरकर ये अपना Hg होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज फॉर द क्लीनिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द टीथ, भाई टीथ में एंटी केरेसिस का हमारा क्लोराइड होता है, सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन, जो क्लीनिंग के लिए यूज करोगे आप, टीथ के क्लीनिंग के लिए जिसको यूज कर रहे हो बेटा, वो डेंटिफ्रैक्स कहलाता है, इसमें कैल्शियम वाले साल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, जो टूथपेस्ट वगैरह में आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, डेंटिफ्रैक्स बोलते हैं, क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं। ये हमारे डेंटिफ्रैक्स आर द सब्सटेंस दैट यूज अलोंग विद द टूथब्रश फॉर क्लीनिंग द पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ द टीथ, दीज आर जनरली फॉर्म द पेस्ट आता है, पाउडर आता है, जेल आता है, लिक्विड आता है, जिससे कैल्शियम वाले रहते हैं ज्यादातर, ये कैल्शियम से हम जानते हैं हमारे जो सोडियम मेटाफॉस्फेट जिसको याद रखते हैं, कैल्शियम वाला नहीं है लेकिन एंटी फ्रैक्स होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, ये पूछ सकते हैं आप। एंटी कैरेस जरूर पूछेंगे, एंटी कैरेस कौन होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है भाई, एरिथ्रोमाइसिन बहुत बड़ा आदमी है, ये मैक्रोलाइड कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्या करता है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है, प्रोटीन सिंथेसिस मीटर होता है, 50S राइबोसोम यूनिट से बाइंड करता है, बीटा लैक्टम में हमारा पेनिसिलिन आता है, सेफालोस्पोरिन आता है, मोनोबैक्टेरियम आता है, कार्बोफिन आता है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड में बीटा हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, नियोमाइसिन आता है, ये मेन होते हैं, ठीक है। पेप्टाइड में आपके पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक पॉलीमिक्सिन भी आता है, ठीक है, बेसिट्रेसिन डायरोसिन ये सब आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो केमिकल क्लासिफिकेशन है अपने एंटीबायोटिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आप उसको प्रॉपर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये एरिथ्रोमाइसिन का ही अपना क्वेश्चन था जिसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ये जो मैक्रोलाइड होते हैं
मैक्रोलाइडिक मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग होती है, ठीक है। 12 मेंबर लैंग्रोन रिंग होती है, 14 मेंबर होती है आपकी, 15 मेंबर हमारे एजिथ्रोमाइसिन में होती है, 16 मेंबर किसमें होती है, स्पायरामाइसिन में होती है, ठीक है। और जो 14 मेंबर में नेचुरल हमारा एजिथ्रोमाइसिन होता है उसके सेमी सिंथेटिक फॉर्म क्या होते हैं, क्लोरिथ्रोमाइसिन और डेरिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन जो हम सबसे कॉमन यूज करते हैं बेटा, उसमें 15 मेंबर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप लोग, ये आपको इसको ध्यान रखना, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। वेलकम बैक एवरीवन। चलिए ये हमारा मॉडल पेपर 6 नंबर होने जाएगा, जिसमें आपने पहले के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में, आगे यहाँ पर 29 MCQs डिस्कस करते हैं फ्रॉम द फार्मास्यूटिक्स, DSBM, फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस एंड एट लास्ट जनरल अवेयरनेस। चलिए स्टार्टिंग विद द फार्मास्यूटिक्स पोर्शन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्रेडिएंट यूज्ड टू इन्हेंस द एलिगेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, ठीक है। अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन का अगर इसके अपियरेंस को हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अगर इससे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमने जिस तरीके का इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ किया, इसे क्या बोला जाएगा, एडिटिव फार्मास्यूटिकल एड्स इंग्रेडिएंट एंड नन ऑफ द अबव। तो चलिए क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, फार्मास्यूटिकल एड्स, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एड आ जाएगा। इसका काम कहाँ किया जाएगा, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव बना सकें। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। कॉकनियल इज अ विच टाइप ऑफ एजेंट, किस तरीके का एजेंट होता है, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग, कलरिंग एजेंट या थिकनिंग एजेंट। तो कॉकनियल क्या होता है, कॉकनियल एक आपका इंसेक्ट होता है जो कि आप रेड कलर का या ऑरेंज कलर का ये पिगमेंट शो करता है, इसलिए हम इसे एज अ कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। कारमाइन से भी ये आपका ऑप्टेन होता है, कहाँ प्रेजेंट रहेगा, कैक्टस प्लांट में रहता है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अ थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशन ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग्स इज कॉल्ड एज, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, इसका विस्कोसिटी ठीक है, विस्कस है, और क्या कंटेन करता है, सस्पेंशन, कैसा सस्पेंशन, इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सस्पेंशन यहाँ पर रहेगा, लोशन, पेस्ट, एलिक्सर या मैग्मा। तो चलिए लोशन क्या रहेगा, लोशन में तो आपका अल्कोहल भी आ जाता है, पेस्ट में ग्रिटी पार्टिकल्स रहते हैं, ये भी ठीक, इतना ठीक नहीं रहता। एलिक्सर की बात करें तो ये बिल्कुल ही ठीक नहीं रहते, इनका विस्कोसिटी बहुत ही कम रहता है। मैग्मा की बात करते हैं तो जी हाँ, मैग्मा में क्या रहेगा, इसका विस्कोसिटी ज़्यादा रहता है, थिकनेस इसका ज़्यादा रहता है, और इसका यूज़ एंटीसेप्टिक तरीके से, एस्ट्रिंजेंट तरीके से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द पैकेज टेस्टिंग इंक्लूड्स, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं तो पैक करने के बाद हम इस पैकेज को, इस कंटेनर को कौन कौन से टेस्ट से गुजारते हैं, शॉक टेस्ट एंड ड्रॉप टेस्ट, इंक्लाइंड इंपैक्ट टेस्ट एंड वाइब्रेशन टेस्ट। चलिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फॉर एन एग्जाम्पल मानकर चलते हैं, दिल्ली में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और यहाँ पर एक टैबलेट बना है, ठीक है, ये हमारा दिल्ली हो गया। दिल्ली में एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक मेडिसिन बन चुका, और अब इस मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से हमने पैक कर दिया, कंटेनर पैक कर दिया, और अब हमें इसे लेकर जाना है कहाँ, मुंबई, ठीक है, मुंबई, वाया एयर जा सकते हैं, वाया ट्रेन जा सकते हैं, वाया और दूसरे तरीके से वाया रोड जा सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, जब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब हम यहाँ पर कवर करेंगे तो इस बीच बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, ट्रैवलिंग करने के समय इसमें ये टूट सकता है, या कर लेते समय कहीं पर हमारे हाथ से कंटेनर छूट गया तो गिर भी जाएगा, तो ये सभी प्रॉब्लम आएंगे। तो हमारे पैकिंग को किस तरीके से हमें टेस्ट करना है, तो पहला तो हम उसमें शॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है, हम अगर हमने एक एरिया से दूसरे जगह पर उसे छोड़ा, एक जगह से दूसरी जगह पर हम रखा, तो हो सकता है उसमें शॉक लग सकता है या लेते समय गिर सकता है, तो ड्रॉप टेस्ट कर लेना है, शॉक टेस्ट होगा, ड्रॉप टेस्ट होगा। इंक्लाइंड इंपैक्ट टेस्ट मतलब क्या समझते हैं, इस तरीके से एक स्लोप बना लेंगे और यहाँ से हम नीचे की ओर इसे स्लाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह में ऐसा हो सकता है कि उसे स्लाइड करना पड़ जाए, ठीक है। वाइब्रेशन टेस्ट, अब देखिए किसी ट्रक में जा रहा है तो वाइब्रेट होने का चांसेस रहेगा, ट्रक में जा रहा है तो रोड में चल रहा है या ट्रेन में भी चल रहा है, ट्रेन में थोड़ा कम वाइब्रेशन रहेगा, लेकिन अगर ट्रक बाय रोड जाते हैं तो क्या हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है। तो ये सभी
टेस्ट हमें अपने पैकेज के साथ, अपने कंटेनर के साथ करना है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि जो हमारा पैकिंग हुआ है वो कितना स्ट्रेंथ है, कितना पावरफुल है। अगर ये इस टेस्ट को पास नहीं करता, इट मीन्स हमारा पैकेज ख़राब होगा। पैकिंग अगर ख़राब होता है तो इनडायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, टेंसिल टेस्ट हो रहा है, ड्रॉप टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, हीट सील इंटीग्रिटी टेस्ट, ये सभी रहेगा, कंप्रेशन टेस्ट रहेगा। आगे देखते हैं, डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर द सुगर कोटेड टैबलेट इज, सुगर कोटेड टैबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम बताइए। डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एक हिसाब का बॉम्बार्डिंग मैकेनिज्म होता है। ये आपका टैबलेट हुआ, हम क्या करते हैं, जो हमारे स्टोमक कंडीशन रहता है इस कंडीशन पर हम इसे बॉम्बार्ड करवाते हैं, हम इसे डिसइंटीग्रेट करवाते हैं। तो कितने मिनट, इसका सिंपल समझिए, इसके टैबलेट के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, या ये टूट जाते हैं, और टूटने के बाद फिर ये आगे बढ़कर इनमें रिजोल्यूशन होता है। तो सबसे पहला स्टेज क्या है, डिसइंटीग्रेशन, इनका टैबलेट का टूटना। तो सुगर कोटेड टैबलेट्स कितने समय में टूटते हैं, 15 मिनट, 30, 60 एंड 90 मिनट्स। चलिए, सुगर कोटेड है इस कारण से ये क्या आएगा आपका, 60 मिनट्स, लगभग एक घंटे का समय ले लेता है, ध्यान रखना है। वहीं कुछ ऐसे भी टैबलेट्स हैं जो, जैसे हमारे डिस्पर्सिबल टैबलेट्स हो रहे हैं, हमारे इफर्वेशन टैबलेट हो रहे हैं, जो बहुत ही कम समय लेते हैं। और वहीं अगर बात करते हैं एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स की, तो देखिए 120 मिनट्स ले रहा है, लगभग दो घंटे का समय ले ले रहा है। आगे देख लेते हैं, इन अ प्रिस्क्रिप्शन डिजिटस मीन्स, डिजिटस किसी प्रिस्क्रिप्शन में डिजिटस लिखा है, इसका मतलब क्या समझेंगे, राइट ईयर, लेफ्ट आई, हैंड और फिंगर। तो डिजिटस का मतलब आ जाएगा आपका फिंगर, ठीक है। चलिए, ये सभी एब्रिविएशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इस डेक्स्टर की बात करते हैं तो राइट ईयर, ठीक है, डेक्स्टर आपके ईयर के लिए यूज किया जा रहा है, ये सभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, ये सभी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन रहेगा, और इसके शॉर्ट फॉर्म यानी इसके लैटिन टर्म्स भी आपको रिमेंबर करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे वो आपका सिरप रहे, किसी भी तरीके का अगर आप फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, उसमें अगर आप एक डिजायरेबल फ्लेवर डालना चाह रहे हैं, इसे हम फ्लेवरिंग एजेंट बोलते हैं। तो इनमें से कौन कौन सा फ्लेवरिंग एजेंट है, मेंथॉल, क्लोरोफॉर्म एंड वॉलनट। तो चलिए, तीनों ही आपके फ्लेवरिंग एजेंट में आ जाएंगे। मेंथॉल का भी यूज़ करते हैं, आपके वाइल्ड चेरी का भी यूज़ करेगा, मिंट भी यूज़ होता है, वॉलनट, चॉकलेट, एनिस, क्लोरोफॉर्म, ये सभी फ्लेवरिंग एजेंट में आ जाएंगे। स्वीटनिंग एजेंट की बात करते हैं तो एस्पार्टेट आ रहा है, लैक्टोज, माल्टोज, ये सभी आएंगे आपके कहाँ, स्वीटनिंग एजेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोसोलॉजी, पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इसके पहले आपने कई सारे क्वेश्चन पोसोलॉजी से देखे हैं। पोसोलॉजी किस चीज़ का स्टडी है भैया, पॉइजनस ड्रग, टॉक्सिक इफेक्ट, डोज ऑफ ड्रग्स। चलिए, क्या रहेगा पोसोलॉजी के अंदर, हम क्या करते हैं, डोज कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, डोज कैलकुलेशन, डोज ऑफ द ड्रग स्टडी किया जाएगा पोसोलॉजी के अंदर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पुअर लुब्रिकेंट बट एक्सीलेंट ग्लाइडेंट प्रॉपर्टी। चलिए, क्वेश्चन समझिएगा, ऑप्शन है टाल्क, कॉर्न स्टार्च, कैल्शियम स्टीरेट एंड मैग्नीशियम स्टीरेट। दो चीजें यहां पर पूछी गई हैं, लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट। जब भी आपने टैबलेट फॉर्मुलेशन पढ़ा होगा, इन दोनों नाम को आपने ज़रूर से सुना होगा। लुब्रिकेंट मतलब क्या होता है, ऐसे एजेंट जो टैबलेट और डाई वॉल के बीच फ्रिक्शन को कम करते हैं। दूसरी बात करें, अगर ग्लाइडेंट की बात करते हैं, तो ग्लाइडेंट मतलब ग्लाइड करना, ग्लाइडेंट को कोरिलेट करिएगा ग्लाइड करना। और इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, जब हम हॉपर से हम एपीआई को या हमारे ड्रग को यहाँ से डाल रहे हैं नीचे आपके डाई कैविटी की ओर, तब इस पाउडर और इस हमारे हॉपर, इन दोनों के बीच इस फ्रिक्शन को कम करना और साथ ही साथ फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम रहेगा ग्लाइडेंट का। तो ये दोनों आपको निकालना है, लेकिन इनमें से क्या पूछा गया है, पुअर लुब्रिकेंट होता है यानी लुब्रिकेटिंग पावर कम है, लेकिन ग्लाइडेंट यानी हमारे ड्रग का फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका कॉर्न स्टार्च, ठीक है, कॉर्न स्टार्च क्या जाएगा, ये लुब्रिकेंट कम रहेगा लेकिन ग्लाइडेंट प्रॉपर्टी इसमें बहुत ही ज़्यादा रहता है।
ग्लाइडेंट और एंटी एड्रिएंट की बात करें तो ये एक्सीलेंट में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेलाइजेशन से आएगा यहाँ पर द वेलोसिटी ऑफ एयर थ्रू लेमिनार एयर फ्लो यूनिटीज। ठीक है, लेमिनार एयर फ्लो अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो हमारा एयर फ्लो हो रहा है इसका स्पीड बताइए, इसका वेलोसिटी बताइए। तो लेमिनार एयर फ्लो में किस तरीके का आपका फिल्टर यूज़ होता है भैया? हैपा फिल्टर। ठीक है, हैपा फिल्टर आपका यूज़ होता है, हाई एफिकेसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर यूज़ होता है, और इसका वेलोसिटी रहेगा 100 प्लस माइनस 20 फीट पर मिनट के स्पीड से ये फ्लो होता है, और इसका फ्लो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। अगर 100 में आपने सेट कर दिया तो वो जब तक आपका ऑपरेशन चलेगा तब तक वो 100 फीट पर मिनट के स्पीड से ही चलेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट कन्वर्जन टू लिक्विड इज कॉल्ड। चलिए बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, अगर किसी सॉलिड पार्टिकल का डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है वेपर में, बेसिकली क्या होता है, सॉलिड है, हमने इसे हीट किया, लिक्विड बना, और लिक्विड के बाद क्या होगा, वेपर बना। लेकिन ये बताइए, अगर सॉलिड से डायरेक्ट वो वेपर में जा रहा है, डायरेक्ट गैस में बन रहा है, तब हम इसे क्या प्रोसेस बोलेंगे? सब्लिमेशन, वैक्यूम इवापोरेशन, फ्लैश ड्राइंग एंड फ्लैश इवापोरेशन। चलिए बहुत ईजी सा है, आप सभी ने देखा होगा आपके घर में क्या रहेगा, कपूर, कपूर को कभी जलाकर देखिए, डायरेक्ट ये गैस में बन जाता है, ठीक है, डायरेक्ट इसके वेपर्स निकलते हैं, ये प्रोसेस कहलाएगा आपका सब्लिमेशन। ठीक है, विदाउट द कन्वर्जन ऑफ और विदाउट द चेंजिंग इन लिक्विड फॉर्म, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय एसटी, विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी एंड विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द मॉलिकुलर वेट। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होता है, जिसका फॉर्मूला देखते हैं तो विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, आप यहां से काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकाल सकते हैं, ये कुछ फॉर्मूला भी आपको यहां पर जरूर से रिमेंबर करते हुए चलना है। अगला डीएसबीएम से क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। अच्छा, मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है, ये सभी क्या कर रहे हैं, मार्केट को रिसर्च करने के लिए काम कर रहे हैं, बट इसमें से आपको एक्सेप्शनल केस निकालना है, सेल्समैन, डीलर, कंज्यूमर एंड द ट्रेड प्रेस। चलिए क्या होगा, सेल्समैन, ये डायरेक्ट, ये तो सबसे प्राइमरी होते हैं जो कि डायरेक्ट फील्ड में काम करते हैं, मार्केट रिसर्च का काम है, डीलर ये भी डायरेक्ट ही रिसर्च पर एसोसिएट आ जाएंगे, कंज्यूमर की बात करें तो ये भी आपके डायरेक्ट रिसर्च मार्केट रिसर्च में आ जाएंगे, बट द ट्रेड प्रेस की बात करते हैं, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहेंगे मार्केट रिसर्च में। क्लियर है, मार्केटिंग से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, मार्केटिंग से भी क्वेश्चन आप देखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेड टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड टेस्ट, इसे किस टेस्ट के नाम से जान सकते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट। तो टेस्ट टेस्ट क्या होता है, ये एक हिसाब का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें इनका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, या इसे परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं, अगर हम किसी सेल्समैन के बारे में बात करें तो उसे हमें प्रॉपर उसका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए इस टेस्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करके इसके परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज गिवन टू द एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू अपडेट देयर नॉलेज विथ रेस्पेक्ट टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। ठीक है, उनका उन्हीं के रेस्पेक्टिव फील्ड में उनके नॉलेज को बढ़ाने के लिए किस तरीके का ट्रेनिंग उन्हें दिया जाता है, इंडक्शन ट्रेनिंग, प्रमोशनल ट्रेनिंग, रिफ्रेश ट्रेनिंग एंड द जॉब ट्रेनिंग। तो चलिए, उनके नॉलेज को उन्हीं के फील्ड में बढ़ाने के लिए क्या रहेगा यहाँ पर, रिफ्रेशर, ठीक है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, इसके अंतर्गत क्या करेंगे, उन्हें डेवलप करना है, उन्हें हमें एम्पावर करना है, उन्हें हमें प्रमोट करना है, और उस एरिया से रिलेटेड हमें उनके लिए इम्पोर्टेंट जानकारियाँ उन्हें देनी है। क्लियर है, चलिए जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेड्यूल जी ड्रग, शेड्यूल जी ड्रग मतलब क्या होता है भैया, ऐसे ड्रग्स जो किसी मेडिसिनल
प्रोफेशनल के प्रोविज़न में ही लिया जाए, जो किसी मेडिसिनल प्रोविज़न किसी मेडिसिनल डॉक्टर को या आपके मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है इसके सुपरविज़न में ही लेना है इस ड्रग को, इसलिए इसे हम डॉक्टर जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डॉक्टर जी इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, डॉक्टर जी, जी फॉर आपका शेड्यूल, जी के आगे और डॉक्टर मतलब अंडर द डॉक्टर प्रोविज़न। ठीक है, जब तक डॉक्टर सुपरवाइज नहीं करेगा तब तक इस ड्रग को हमें नहीं लेना है। हेपरिन की बात करें, लेबेटालोल, HCL, बारबिट्यूरेट एसिड एंड इट्स सॉल्ट एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रेंटोइन इट्स सॉल्ट एंड इट्स डेरिवेटिव एंड देयर सॉल्ट्स। चलिए, तो क्या रहेगा आपका, ऐसे ड्रग जो हमारे लिए हाईली रिएक्टिव रहें या जो हमारे लिए अगर हमने हाई डोज में ले लिया या गलत इस्तेमाल कर लिया तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, ऐसे ड्रग्स आ जाएंगे आपके शेड्यूल जी के अंतर्गत। ठीक है, एमिनोपेक्टिन आ रहा है, ये सभी आपको ध्यान रखते हुए यहाँ पर चलना है, लिस्ट देख लेना है। ड्रग्स कलर्ड कोटेड पाउडर्ड पॉलिश्ड सो एज टू कंसील द डैमेज इज कॉल्ड। ठीक है, अगर किसी भी ड्रग में हम कलर कर रहे हैं, कोटेड कर रहे हैं, पाउडर पॉलिश कर रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, स्पूरियस ड्रग, मिसब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड ड्रग या न्यू ड्रग। तो चलिए, हम यहाँ पर उस पर कलर कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं, इस कारण से ये हमारे कहलाएंगे आपके मिसब्रांडेड ड्रग के अंतर्गत आ जाते हैं। एडल्ट्रेटेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग, अगर हम उसमें किसी ऐसे एडल्ट्रेंट्स को मिला रहे हैं, किसी ऐसे एडिटिव्स को, एडिशनल चीज़ों को मिला रहे हैं जो थेरेप्यूटिकली इनएक्टिव हैं या जिनका थेरेप्यूटिक एक्टिविटी हमारे मेन ड्रग के कंपेरिजन में बहुत ही कम है, और ऐसे करके हम उस पर क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एडल्ट्रेशन हो रहा है, इस कारण से इन्हें एडल्ट्रेटेड ड्रग के नाम से भी जानते हैं। आगे देख लेते हैं, द सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट CDRI, कहाँ पर लोकेटेड भैया, CDRI नाम सुनते ही आपको तुरंत आंसर आना चाहिए, सर CDRI लखनऊ। ठीक है, CDRI कहाँ पर है आपका, लखनऊ, कोलकाता, कसौली एंड इजातनगर, यहाँ के भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन से सिटी में किस हेडक्वार्टर है, किस तरीके का हेडक्वार्टर है। कलकत्ता में बात करते हैं तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL का है, और लखनऊ में बात करते हैं तो यहाँ पर CDRI आ गया आपका, CDRI लखनऊ। कसौली की बात करते हैं तो CRI यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जहाँ पर हमारे जितने भी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं इनका टेस्टिंग होता है। इजातनगर की बात करते हैं तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI इजातनगर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, विथ सेक्शन ऑफ पॉइजन एक्ट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द प्रोसेशन फॉर सेल एंड सेल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक पॉइजन। ठीक है, किसी स्पेसिफिक पॉइजन के सेल के लिए, किसी स्पेसिफिक पॉइजन को बेचने के लिए किस सेक्शन के अंतर्गत पॉइजन एक्ट यहाँ पर काम करता है, सेक्शन 2, सेक्शन 17, 19 एंड 2। ठीक है, 3, 17, 19 एंड 2। तो चलिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपकी, किसी स्पेसिफिक हम पॉइजन की बात करें, ये आ जाएगा आपका सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत। ठीक है, देख लेना है, सेक्शन 1 के अंतर्गत शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट आ रहे हैं, सेक्शन 2 के अंतर्गत ये आ रहा है। किसी भी एक्ट की बात करते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, तो एक्ट में जितने भी सेक्शन आ रहे हैं एक बार जरूर से आपको गो थ्रू हो जाना है, जितने शेड्यूल्स हैं इसे एक बार देख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कौन सा एक्ट किस ईयर में आया हुआ है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। अगर PCI की बात करें तो PCI में मेंबर कितने हैं, स्टेट काउंसिल में मेंबर कितने हैं, DTAB में मेंबर कितने हैं, कितने एक्स ऑफिसर हैं, कितने नॉमिनेटेड हैं एंड कितने इलेक्टेड हैं, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगर जुरिस में क्वेश्चन आता है यहीं से निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर क्वेश्चन देख लिया जाए, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। सीखो कमाओ मतलब आपको नाम से समझ आ रहा है, खुद से सीखें और खुद ही से यहाँ से अर्न करें। गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। तो चलिए, कहाँ से हुआ था, मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने इसे लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत जो हमारे यूथ हैं, यूथ वॉलंटियर्स हैं, इन्हें स्किल किया जाएगा, इन्हें किसी चीज़ के लिए समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा और यहीं से ये अर्न भी कर सकते हैं। क्लियर है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड? झारखंड क्या कैपिटल बताइए? शिलोंग, रांची, चांडेल एंड विष्णुपुर। झारखंड क्या होगा यहाँ, इसका कैपिटल क्या है? रांची। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। देखिए अब ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन आपको जरूर से ध्यान रखना है। कभी ऐसा ना हो कि आप दो किसी स्टेट के बीच में आप फंस गए हैं, कोई सा स्टेट आया उसका कैपिटल ही नहीं बता पा रहे हैं। तो एक बार हो सके तो, अगर आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको डाउट जा रहा है तो एक बार जरूर से इसे देख लें कि कौन से स्टेट का कौन सा कैपिटल है। ऐसा आपसे चूक नहीं होना चाहिए। कितने यूनियन टेरिटोरीज हैं, कितने स्टेट हैं, कितने इनके आपके कैपिटल्स हैं, देखते हुए चलना है। आगे देखते हैं, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप GWDWG मीटिंग। ठीक है, जो हमारा G20 का पहले तो मीटिंग हुआ था दिल्ली में, और इसके बाद एक और मीटिंग हुआ डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप का। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था, इसका होस्ट कौन सा सिटी था? मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद एंड चेन्नई। तो चलिए क्या था यहाँ, दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2023 में अभी स्टार्टिंग में हुआ है। किसके अंतर्गत? तो आपके मुंबई सिटी के अंतर्गत। ठीक है, मुंबई सिटी इसका होस्ट था इस समय पर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी इज द नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव? नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली, मुंबई, मैसूरु एंड वाराणसी। तो ये भी आपके दिल्ली में आ जाएगा। NAM आपने सुना होगा, NAM कॉन्क्लेव कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पर प्रेजेंट है? राजकोट, सूरत, अहमदाबाद एंड वडोदरा। इतने इजी क्वेश्चन का आंसर, इतना इजी क्वेश्चन। डायमंड अगर पूछ दिया गया किस सिटी में डायमंड से कोरिलेट करिए, आंख बंद करके लगाइए सर, सूरत। सूरत को क्या बोला जाता है? द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या जाएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर? सूरत कहाँ पर है? गुजरात में, सूरत गुजरात। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, द ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जानते हैं। आगे देखते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया। चलिए भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, लेंथ में जिसका सबसे ज्यादा, जिसका लेंथ है गंगा, नर्मदा, यमुना एंड सतलुज रिवर। कौन सी नदी है सबसे लंबी नदी? गंगा नदी। क्या है इसका, अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ क्या होने जा रहा है इसका? लगभग लगभग आपका 2500 किलोमीटर। जी हाँ, 2500 किलोमीटर लंबी। कहाँ से निकली है? तो गंगोत्री से निकला है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकला है। एंड कहाँ पर होता है? बे ऑफ बंगाल में इसका एंड होता है। टोटल लंबाई कितनी है? 2500, लगभग 2500 किलोमीटर, 2530 ऐसा लगभग कुछ होगा, इतने किलोमीटर का लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे गहरी नदी जिसका डेप्थ सबसे ज्यादा है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए 2525 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑर्गेनाइज द रिसेंट G20 समिट डेट वॉज हेल्ड इन 2023। चलिए क्या होगा, कौन सी कंट्री इसे ऑर्गेनाइज की है इस बार 2023 का? सिंपल है आपका आंसर, इंडिया। कब हुआ था? 9 सितंबर 2023। इंडिया में, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, G20 मतलब क्या समझते हैं? ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, और इस बार का होस्ट कौन था? इंडिया। किसके द्वारा किया गया था? तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया। चलिए अभी जो G20 समिट हुआ है यही तो क्वेश्चन है, इसका थीम क्या था बताइएगा? शेपिंग एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, फाइटिंग पॉवर्टी विथ रिगिडिटी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर। चलिए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस G20 समिट जो दिल्ली में हुआ था 9 सितंबर 2023, इसका क्या है ये यहाँ पर हमारा इसका थीम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी आर द
ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ट्राइब्यूटरीज मतलब क्या समझते हैं, सहायक नदियाँ, ठीक है, सहायक नदियाँ, इनमें से हमारी ये सारी किस नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। तो चलिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, कावेरी नदी, ठीक है, ध्यान रखना है कावेरी नदी कहाँ पर बहता है, कर्नाटक में बह रहा है कावेरी नदी, और इसके गोदावरी नदी, ये इनके क्या हैं, सहायक नदियाँ आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। अच्छा, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताइए, पेंक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये हो जाएगा आपका मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। जी हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड कहलाता है, क्योंकि ये अधिकतर हॉर्मोन्स यहीं से रिलीज होते हैं, प्रोलैक्टिन की बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन बात करें, थायरोट्रोपिन बात करते हैं, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन्स की बात करूं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें, ये सभी हमारे कहां से निकल रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर है, यही तक थे ये क्वेश्चंस। अब आगे के क्वेश्चन यहाँ आपको अभिषेक सर डिस्कस करेंगे विद द रीजनिंग पोर्शन। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर में आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 6 से, जहाँ पे आपके रीजनिंग यानी जनरल इंटेलिजेंस से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो क्या देखने को मिल रहा है, आइए थोड़ा इंपॉर्टेंट और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर है तो डेफिनेटली आपको ऐसे ही क्वेश्चन कुछ मिल सकते हैं। How many 88 are there in the following number sequence which are immediately preceded by 5? पांच के पहले हैं, preceded मतलब पांच के पहले, और but not immediately followed by 3, लेकिन वो ऐसे हैं जो तीन के बाद नहीं है, मतलब जैसे preceded by और followed by, followed मतलब उनसे पहले और प्रेसिडेंट माई उनके बाद। देखो यहां पे देखो 88 है कहां पे, ये 88 है पांच के पहले है, ये 88 है तीन के पहले नहीं है, ऑब्वियसली 9 आ जाता है, तो एक 88 ये है जो पांच के पहले है, बिल्कुल बात ठीक बन रही है, और एक 88 ये है जो तीन के बाद मतलब तीन के बाद नहीं है, आठ के बाद है, तो ये आंसर हमारा 2 होगा, यानी 2 88 ऐसे है जिनको मैं ये कह सकता हूं कि वो इमीडिएटली फॉलोड बाई 5 है, यानी पांच के पहले है लेकिन तीन के बाद नहीं है, पांच के पहले है लेकिन तीन के बाद नहीं है, इसलिए 2 आंसर आ जाएगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर ड्यूरिंग असेंबली, असेंबली हो रही थी स्कूल की, एंड द स्टूडेंट आर स्टैंड इन अ लाइन, लाइन लगाई गई, ये लो लाइन लग गई भैया और सलमान खान इज 21st इन ऑर्डर फ्रॉम द बोथ एंड, यानी इधर से भी उसका नंबर 21st है और इधर से भी नंबर उसका 21st है, अब बताइए टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं। मैंने माना ये है सलमान खान 21st पे, तो इससे पहले कितने बच्चे हैं, ऑब्वियसली 21st इसका है तो इससे पहले 20 बच्चे होंगे, और इसके बाद कितने हैं, यहां भी 20 बच्चे होंगे, और एक है हमारा सलमान खान, तो कितने हो गए, टोटल 41 स्टूडेंट्स का बैच है जिसमें सलमान खान दोनों तरफ से 21st नंबर पे आएगा। अब आप गलती कहां कर देते हो कि 21st से ऊपर से है, 21st नीचे से है, तो दोनों जगह से आपने जोड़ दिया 42 नंबर आएगा, नहीं, लेकिन आपके इस इक्वेशन में सलमान खान को आपने 2 बार जोड़ दिया ना, तो इसलिए 42 होगा, लेकिन 2 बार नहीं जोड़ना है, एक ही तो सलमान खान है, हां जी बिल्कुल एक ही सलमान खान है, तो यहां पे हमारा 41 आंसर आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, स्टडी द क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जरा अपने से करके देखो, ऋतिक इज 7th रैंक अहेड ऑफ अमित, मतलब हमारे कुछ बच्चे हैं बढ़िया है, और टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, 39, ये रहे बच्चे, 39 स्टूडेंट्स हैं। अब क्या बोला गया, ऋतिक इज 7th रैंक अहेड ऑफ आमिर, ये है मान लो आमिर, ये है ऋतिक, क्या बोला गया, ऋतिक आमिर से 7th रैंक पहले है, गुड, आमिर खान रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, यानी इसके पीछे कितने बच्चे हैं, 16,
आमिर की रैंक हो गई 17वीं, सेवेंथ रैंक ऋतिक की है, सेवेंथ रैंक ऋतिक की है, तो मतलब यहां पे 6 बच्चे और बीच में आ जाएंगे, तो 16 बच्चे ये हुए, 6 बच्चे ये हुए, दो हमारे ये आमिर खान और ऋतिक है, तो टोटल कितने हो गए, 16 प्लस 6 प्लस ऋतिक प्लस आमिर, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 16 6 22 और 22 2 24 बच्चे, लेकिन टोटल बच्चे कितने हैं, 39 है। अब 39 से 24 माइनस कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा कि टॉप से उसकी रैंक कितनी है। अब एक मिनट, अब आप बोलोगे सर 15 बच्चे, लेकिन आपसे क्या पूछा जाएगा, टॉप से उसकी रैंक कितनी है, आप यहां पे आंसर दे दोगे सर 16, क्यों भाई, 15 बच्चे उससे ऊपर है ना, 15 बच्चे उससे ऊपर है तो उसकी रैंक कौन सी आएगी, 17th आएगी ना, यही तो हमने बोला कि अगर हमने बोला टोटल 39, सेवेंथ रैंक ऋतिक अहीर है, तो ऑब्वियसली अब बॉटम से अगर आप देखोगे तो 17वें रैंक पे आमिर था, तो 17, 7, 24, 24वें रैंक पे ऋतिक आ जाएगा, तो टोटल 39 थे, तो 24 माइनस करिए यानी उसके ऊपर 15 बच्चे हैं, और टॉप से अगर आप उसकी रैंक देखोगे ऋतिक की तो कितनी होगी, 15 उससे ऊपर है, एक उसकी रैंक हो जाएगी, तो 16 आ जाएगा आंसर, तो 16th इज द करेक्ट आंसर आएगा। इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट इन द सीक्वेंस 5981327438 आर इंटरचेंज्ड, ऑल्सो द थर्ड एंड फोर्थ डिजिट, द फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिजिट, सो ऑन, अच्छा मतलब दो दो नंबर चेंज किया गया, जैसे ये लिखा है तो अब हो जाएगा 9518234783, अब क्या बोला गया, विच डिजिट वुड बी द सेवेंथ फ्रॉम योर लेफ्ट, अब आप यहां पे खड़े हो आपके लेफ्ट साइड में, बताइए सेवेंथ नंबर पे कौन आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारा कौन सा सेवेंथ नंबर पे आ जाएगा, 4 आएगा सेवेंथ नंबर पे, हाँ जी, क्योंकि आपके इसमें देखोगे ना 2 4 6 और 7, सातवें नंबर पे कौन आया, 4 आया, आ जाएगा। आइए थोड़ा सा ब्लड रिलेशन निकाले, शोइंग अ फोटोग्राफ पी सेड, अच्छा पी भाई साहब क्या कह रहे हैं, सी इज माय मदर्स मदर्स सन, एक लेडी है उनके बारे में बता रही है कि ये मेरे मदर, एक फोटो को दिखाते हुए बोल रहे हैं, सी इज माय मदर्स मदर्स मदर, मेरे मां की मां के सन, उनका सन सन्स, उनका डॉटर, उनकी डॉटर, ये सन है ना, ठीक, डॉटर, हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू पी, अब बताइए इनका क्या रिलेशन है, मेरे मां के भाई यानी मेरे मामा, और मेरे मामा की लड़की मेरी क्या हो जाएगी, मेरे मामा की लड़की मेरी क्या हो जाएगी, तो अब आप तुरंत बोलोगे सर मेरे मामा की लड़की मेरी क्या हो जाएगी, ये कजिन हो जाएगी, अच्छा आंसर नहीं लिखाया गया, ठीक है कोई बात नहीं, कजिन हो जाएगी कि नहीं भाई, मेरे मां के मां यानी मेरी नानी, उनका लड़का यानी मेरे मामा की लड़की, अब मेरी क्या हुई, बहन ही तो होगी, कजिन में, करेक्ट है, तो हां जी कजिन आंसर आ जाएगा, सो बी इज द करेक्ट आंसर, कजिन आएगा। नेक्स्ट, माय मदर सिस्टर सन्स, देखो मैं माय मदर्स, मेरी मदर, मदर्स सिस्टर, मदर्स सिस्टर मतलब मेरी मासी हो गई, सिस्टर्स सन्स, सिस्टर का सन, और सन्स फादर, सन्स के फादर, यानी ये जो सिस्टर है ना इनका हस्बैंड, हस्बैंड्स मदर इन लॉ, अब इनके मदर इन लॉ, मदर इन लॉ इज रिलेटेड टू मी, अब मेरे वो क्या हुए, देखो ये मैं था, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मासी है, और मेरे मासी की मेरे मतलब मासा हो गए, और मासा की मदर इन लॉ यानी मेरी नानी ही तो हुई, तो कौन होंगी, मेरी ग्रैंड मदर होंगी, बड़ा प्यारा वर्ड होता है, एक एक वर्ड को निकालते चले जाओ आंसर अपने आप आ जाएगा,
माई मदर सिस्टर सन्स फादर इन फादर्स मदर इन लॉ मेरे क्या हुए, वो आपकी नानी आ जाएंगी. एक और ब्लड रिलेशन देखो, माई मदर्स मैं ओके, माई मदर्स मेरी माँ, मदर्स ब्रदर यानी मेरे मामा जी, मामा जी का लड़का, मामा जी का लड़का, सन्स मदर लड़के की मम्मी यानी मेरी मामी, रिलेटेड टू माई मैटरनल आंट, मेरे मैटरनल आंट यानी मेरी मासी, एक और मासी है मेरी, उनका उससे क्या रिलेशन है बताइए. माई मदर्स ब्रदर्स सन्स मदर इज रिलेटेड टू माई मैटरनल आंट एज, कैसे रिलेटेड है, सिस्टर इन लॉ. अब मैटरनल आंट देखो, दो चीजें होती हैं, एक पैटर्नल आंट एक मैटरनल आंट. अब एक मेरी मैटर, ये तो क्या है, मामी है ना, ये कौन है, मामी है. और मेरी मैटरनल आंट यानी इनकी एक और बहन है जो मेरी क्या हो गई, मासी हो गई. अब बताइए मेरी मासी की ये क्या हुई, भाभी हुई, तो सिस्टर इन लॉ आ जाएगा कि नहीं. एक एक वर्ड में मतलब छिपा है. क्या बोला गया, मेरी मदर मेरी मम्मी, मम्मी के भाई मेरे मामा का लड़का यानी मेरा कजिन, मेरे मामा के लड़के की माँ यानी मेरी मामी, और मेरे मामी मेरी मैटरनल आंट यानी मेरी मासी से कैसे रिलेटेड है, तो ननन भाभी हुई ना, तो आंसर आ गया. बस ये याद रखिएगा, पैटर्नल आंट फादर की तरफ होता है, मैटर्नल आंट मदर की तरफ होता है, और उसी से हमारा क्वेश्चन बनता है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, चेंज करना है ना, मल्टीप्लाई यानी डिवाइड, 4, 15, 12, 8, 9 लिख लिया. अब साइन चेंज करो, देखो जहां मल्टीप्लाई है वहां डिवीजन कर दीजिए, लो भैया हमने कर दिया. देन जहां माइनस है वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, लो कर दिया. जहां डिवीजन है वहां प्लस कर दीजिए, लीजिए कर दिया. और प्लस मींस माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए, लीजिए, इक्वेशन बन गई. सॉल्व करिए, पहले क्या करना है, बॉर्ड मास में पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई, डिवीजन है नहीं तो मल्टीप्लाई पहले. तो 15 चौको 60 प्लस 12 यानी 72. अब 72 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 9. अब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 पहले डिवीजन तो क्या आएगा, 9 माइनस 9 विल बी द 0. तो आंसर क्या हुआ, 0. बिल्कुल, क्योंकि इक्वेशन अगर आपने सही ड्रॉ कर लिया अकॉर्डिंग टू द साइन चेंज तो आंसर निकालने में दिक्कत नहीं, क्योंकि बॉर्ड मास सीधे सीधे लगेगा. आइए एक और क्वेश्चन देखें, 108 मल्टीप्लाइड बाय 9. ओके, यहां पे क्या बोला गया, इन द साइन क्वेश्चन प्लस मींस माइनस, तो प्लस है नहीं, मल्टीप्लाई मींस डिवाइड, 108 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट बन गया. जहां मल्टीप्लाई वहां डिवाइडेड, डिवाइडेड बाय 4, और जहां डिवाइडेड है मींस मल्टीप्लाई, लीजिए इक्वेशन बनी पहले ब्रैकेट. तो 108 बटे 9 यानी 12, 12 बाय 4 इंटू 5 पहले डिवाइड तो 3, और इंटू 5 यानी 15 आएगा, आपका आंसर 15 आएगा. आ गया क्या, इजी है कि नहीं, बस एक फॉर्मूले पे पूरी सीरीज चल रही है. चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. वन डे हेमंत लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड. जब भी डायरेक्शन की कहानी हो सबसे पहले आप डायरेक्शन डिनोमिनेट कर दीजिए. अब इन्होंने क्या बोला, वो चले घर से 10 किलोमीटर साउथ की तरफ, चले लीजिए 10 किलोमीटर साउथ की तरफ, टर्न राइट. अब यहां पे जाने के बाद ये राइट मुड़ गए, लीजिए राइट मुड़ गए 10 किलोमीटर, फिर से इन्होंने साइकिल चलाई, और यहां पे आने के बाद ये लेफ्ट मुड़ गए, यहां पे आने के बाद ये क्या मुड़ गए, लेफ्ट साइड में मुड़ गए, लेफ्ट साइड में मुड़ गए 10 किलोमीटर. अब बताइए he is in which direction from the starting point. अब ये 10 किलोमीटर के बाद यहां आ गए, किस डायरेक्शन में है,
ईस्ट वेस्ट किस डायरेक्शन में है भाई? वेस्ट डायरेक्शन में है क्या? हां जी, बस आपको ये ध्यान देना था, पहले 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, और उसके बाद हमारी आगे की कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नीरज गोज 30 मीटर नॉर्थ, नीरज गोज 30 मीटर नॉर्थ, फिर से डायरेक्शन है तो तुरंत बना दीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नीरज गोज 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ, देन टर्न्ड राइट। अब यहां पे जाने के बाद ये राइट में मुड़ गए, मोड़ दीजिए राइट में, एंड वॉक 40 मीटर, देन अगेन टर्न्ड राइट। अब यहां पे जाने के बाद ये फिर से राइट मुड़ गए, यहां गए थे, ऐसे जा रहे थे, ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है, देखो ध्यान से, थोड़ा यही कंफ्यूजन हो जाता है, ये राइट हुआ, यहां पे 40 मीटर चले गए, यहां पे जाने के बाद ये फिर से राइट मुड़ गए, ये लीजिए राइट मुड़ गए, और राइट मुड़ने के बाद कितना चले, 20 मीटर चले, देन अगेन टर्न राइट। अब यहां पे जाने के बाद फिर से राइट मुड़ गए, फिर से राइट मुड़ने के बाद 40 मीटर आ गए। नाउ ही इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? अब आप क्या बोलोगे, सर किधर की तरफ है, सर किधर की तरफ है, क्योंकि क्योंकि देखो ध्यान से समझना, ये गए 30 थे, आए 20 है, तो ये लगभग यहां आएंगे ना, तो ये किधर डायरेक्शन हुआ, नॉर्थ हुआ ना, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो, गए 30, गए 40, 20, 40 कहां है, यहां, और ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, अभी बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिशेट द रिलेशनशिप एमंग डॉक्टर लॉयर प्रोफेशनल। देखो डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है, लॉयर भी एक प्रोफेशन है, और दोनों हमारे एक ही उसके अंतर्गत आएंगे, एक ही रूफ के अंतर्गत आएंगे, आपस में मिले हैं क्या, नहीं। प्रोफेशन ये हुआ, प्रोफेशन ये डॉक्टर, ये लॉयर, हाँ ये आंसर मेरा सही है। तो मैंने क्या बोला, प्रोफेशन एक बड़ा सर्किल है, उसके अंतर्गत डॉक्टर है, उसके अंतर्गत मेरे क्या है, लॉयर है क्या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ग्रेजुएट एंड हाउसवाइफ बट नॉट अमंग द वर्किंग पीपल। देखो यहां पे आपको कुछ दिया गया है वेन डायग्राम के बेसिस पे, अब इससे आपको निकालना है क्या, इनमें से कौन है जो ग्रेजुएट है, जरा ग्रेजुएट वाला सर्कल, मतलब इसी के अंतर्गत बात किया जाएगा, ग्रेजुएट एंड हाउसवाइफ, हाउसवाइफ का सर्कल कौन सा है, ये वाला, मतलब इन दोनों में जो कॉमन है अब उसकी बात चल रही है, लेकिन हाउसवाइफ बट नॉट अमंग वर्किंग, देखो ये वाला अगर इसके अंतर्गत चले जाओगे तो वर्किंग में चले जाओगे, मुझे उधर नहीं जाना है, तो बचा आपका जी, जी ऐसा है जो हाउसवाइफ है, ग्रेजुएट है बट वर्किंग नहीं है, और एफ उसमें से ऐसा होगा जो हाउसवाइफ है, ग्रेजुएट है लेकिन वर्किंग है, बात समझो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जी में आपको हाउसवाइफ है, ग्रेजुएट है बट वर्किंग नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर अगर आ जाएगा तो वो वर्किंग में चले जाएंगे, तो ट्राइंगल के अंदर नहीं जाना था, आएगा क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन डायग्राम द वन दैट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन द क्लासेस। ओके, जज थीप क्रिमिनल। देखो जज सबको सजा देता है, चाहे वो क्रिमिनल हो और चाहे वो थीप, लेकिन एक सेकेंड, थीप भी तो एक क्रिमिनल ही है ना, तो थीप क्रिमिनल के अंदर आएगा लेकिन जज अलग होगा। हां जी, देखो ये है जज, ये है क्रिमिनल और ये है थीप, ये रिलेशन हमारा अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है, तो सी आंसर होगा, क्योंकि जज अलग है, क्रिमिनल में बहुत सारे मर्डर आएंगे, रेपिस्ट आएंगे, थीप आएंगे, तमाम प्रकार के आएंगे, तो क्रिमिनल के अंदर ही तो थीप है ना, बिल्कुल। मोनोग्राम, आइए जरा इसको अगर आप इमेज में देखोगे, मिरर में देखोगे तो क्या मिलेगा, जस्ट उल्टा कर दीजिए, शुरुआत यहां से होगी, एम कोई दिक्कत नहीं, ओ कोई दिक्कत नहीं, एन ऐसा बन जाएगा, उसके बाद ओ में कोई दिक्कत नहीं, जी अब कैसा बनेगा, नॉर्मली हम ऐसे बनाते हैं बट यहां कैसे बनेगा, जी उल्टा बने, ज्यादा नहीं बनेगा, आर आर ऐसे बनेगा, ए ऐसा बनेगा, एम ऐसा बनेगा, अब बताइए इसमें से कौन सा बन रहा है, मोनोग्राम। हां जी,
मो, एक सेकेंड, ये उल्टा हो गया, ये तो पीछे वाला आ गया है, मो नो ग्राम बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, बी आएगा, बी आंसर आएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे इसको जस्ट इधर से उल्टा करके तो यहां से शुरुआत होगी, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये ऐसे करके सीक्वेंस में चलता चला जाएगा, आएगा क्या? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स रिजेंबल द वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, देखो वाटर इमेज है और वाटर इमेज में जस्ट पलट जाएगा, मतलब इसको जस्ट ऐसे कर दो तो ये कैसे आ जाएगा, ऐसा और ऐसा, ये ऐसा इमेज बनेगा, कहां दिख रहा है ये, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यहां पे ज्यादा बड़ा नहीं है ये ट्रायंगल, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो ए आंसर आएगा, हां जी ए आंसर आएगा, क्योंकि वहां ट्रायंगल बड़ा हो गया है, ठीक है, तो हमारा इसीलिए हमने बोला कि यहां पे सबसे अच्छा डेफिसिट, क्योंकि उसी के बराबर दिखेगा ना, ये उसी के बराबर है, लेकिन ये ट्रायंगल देखो और ये ट्रायंगल देखो, अंतर हो जा रहा है ना, तो अंतर तो नहीं होगा ना। फाइंड द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव 1625, क्या है, एक मिनट, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square, 8 square, 9 square, आहा, 5 square तो है लेकिन 50 किसी का स्क्वायर थोड़ी ना है, तो इसलिए ये आंसर गलत है, आपसे ऑड वन आउट पूछा गया, डी आंसर दे दीजिए, क्योंकि पहले वाले सभी में क्या हो रहा है, शुरू के दो एक नंबर का स्क्वायर है, बाद का दो एक नंबर का स्क्वायर है और उसको वहां पे किया जा रहा है। इफ बास्केट इज रिटन एज टेक सम, अच्छा इधर से शुरू किया गया टीई के और बास को सब कर दिया गया, ओके तीन तीन का उल्टा किया गया, आप क्या करोगे, पहले डब्ल्यू ओ एल और उसके बाद क्या करना है एल आई पी, ओ डब्ल्यू एल एल आई पी, कहीं मिल रहा है क्या, ओ डब्ल्यू, बी आंसर दिख रहा है, हां जी बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको यहां पे अकॉर्डिंग टू दैट अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको दूसरा वाला चेंज करना था, तो हां जी पिलो आपका बन जाएगा, वॉलिप बन जाएगा, जो भी है। विच डिजिट विल अपियर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस ऑफ द फाइव, देखो ये डाइस का क्वेश्चन है और बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, क्या करना है बस आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास दो डाइस दिए गए हैं इनमें से आप ये देखो कि कौन सा नंबर कॉमन है, 3 4 1 5 3 2, सर थ्री दोनों में कॉमन है क्या, और हमेशा इसको आप क्या करो जो कॉमन है वहां से लेके आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, जैसे ऐसे, तो क्या मिलेगा 3 4 3 1 4 मिला, अब यहां से क्लॉकवाइज चलोगे तो ऐसे आएगा, तो 3 5 2, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो 1 के अपोजिट 5 है, अगर 1 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, देख लो, 4 के अपोजिट 2 है, अगर 4 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, अब सर 3 तो कॉमन, ये तो एक ही नंबर हो गया, हां तो इसके अपोजिट में कौन होगा, अरे इसके अपोजिट अगला वाला बताओ ना 6 होगा, तो 3 के अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 2 है, ये है मेरा क्यूब का डाइस का, अब आपसे पूछा गया 5 के अपोजिट कौन, सर 1 है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा, सो 3 1 4 3 5 2, 1 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 4 है, आप तुरंत वहां पे आंसर दे पाओगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट सम पेपर्स आर पेन, ऑल द पेंसिल आर पेन, क्या बोला गया, सम पेपर्स आर पेन, ओके कुछ पेपर पेन है, ये पेपर है और ये पेन है, ऑल द पेंसिल आर पेन, ऑल द पेंसिल आर पेन, इसी के अंदर है, अब कंक्लूजन निकालो जरा, सम पेन्स आर पेपर, ये गलत थोड़ा लिख गया है, पर्ल नहीं आएगा क्योंकि पर्ल की कोई कहानी ही नहीं है, सम पेन्स आर पेपर, हाँ सम पेपर आर पेन, ऑल द पेंसिल आर, सम पेन्स आर पेपर, यहां तो बातें ठीक आ रही है,
अच्छा ठीक है, मतलब ये पर्ल अगर लिखा है तो पर्ल की तो कोई कहानी नहीं है, बट सम पेंस आर पेपर, हाँ ये ठीक बात बन रही है, क्योंकि पर्ल तो है ही नहीं है ना, पर्ल तो हमारा इस क्वेश्चन में है ही नहीं है, तो सम मैंने उसको करेक्ट किया, पर्ल को पेपर बना के तब आएगा, लेकिन अगर पर्ल है तो हटा दीजिए। दूसरी बात सही है कि सम पेंस आर पेपर बट ऑल पेंसिल आर पेन, ये हमारा यहां से क्वेश्चन बन रहा है। So, ये रहे हमारे मॉडल पेपर नंबर 6 के रीजनिंग के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे और मजा आ रहा होगा। सो अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप सर के साथ कंटिन्यू करें, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक एबिलिटी के क्वेश्चंस, इसको डिस्कस करते हैं। और बेसिकली जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको लॉजिक बेस्ड ही अगर आप सॉल्व करें तो बेटर रहेगा। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, मैथमेटिक्स पार्ट का, ये मॉडल पेपर नंबर 6 है। इसमें है टू नंबर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, यहाँ पर दो नंबर हैं आपके रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। इसको सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे, इसमें सबसे पहले तो परसेंटेज को मैंने पहले भी कहा हुआ है बेटा, अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। किसमें कन्वर्ट करें अपन लोग? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इजीली हमारा आंसर्स निकल के आ जाएगा। तो यहां पर जैसे आप फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये एक्चुअल में हमारा 1/5 हो जाएगा और ये बेटा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना ज्यादा है, टू नंबर आर 20% 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेकंड रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो थर्ड नंबर हम इसको एज्यूम कर सकते हैं भाई कि ये एक्स है, ठीक है। इसको अपन एक्स एज्यूम करके भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कि आप एक्स एज्यूम कर लोगे तो ये रहेगा कि जो हमारा नेक्स्ट नंबर रहेगा ये थर्ड नंबर थर्ड, ठीक है। ठीक है, टू नंबर रिस्पेक्टिवली मोर देन थर्ड नंबर, तो ये रहेगा आपका 1/5 एक्स ज्यादा रहेगा। जो अगला नंबर होगा अपना एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस आएगा आपका 1/5 प्लस दूसरा नंबर रहेगा एक्स प्लस 1/2 रहेगा, ठीक है। ये टोटल हमारे तीन नंबर की कैटेगरी ऐसी बनेगी, ठीक है। इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो आप। जैसे ये है हमारा, हमने कंसीडर कर लिया यहां पर कि भाई हमारा जो थर्ड नंबर है वो 100 है, ठीक है, 100 है। तो उसके बाद जो हमारा भाई एक 50% ज्यादा है जो नंबर, तो वो 150 हो जाएगा, ठीक है। और जो 20% ज्यादा वो 120 हो जाएगा। सीधा सीधा यहां से निकाल सकते हैं अपन। अपन से क्या पूछा उन्होंने? सेकंड का फर्स्ट के परसेंट में पूछा हुआ है, सेकंड नंबर का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो 150 है और आपका क्या है 120 है, तो इसका आप परसेंटेज निकालेंगे तो सीधा सीधा ये हमारा देखो सेकंड के रिस्पेक्ट में पूछ पर फर्स्ट का रिस्पेक्ट में सेकंड का पूछा हुआ है, तो हमको मालूम है भाई सेकेंड नंबर हमारा 150 है और फर्स्ट हमारा 120 है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 125% हमारा आंसर हो। सीधा सीधा परसेंटेज से भी कर सकते हो, एक्स एज्यूम करके चलोगे तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय सेलिंग अ सेल फोन फॉर 2400 ए शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज ही हैड सोल्ड इट फॉर RS 2024, ठीक है। इसमें अपन से ये पूछ रहे हैं कि भाई एक सेल फोन को सेल किया गया है 2400 रुपए में, ठीक है, और उसको 25% का प्रॉफिट मिला है, ठीक है। हिज प्रॉफिट परसेंटेज है उसका, ठीक है। He had sold it for RS 2024, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें वो सीधे सीधे ये पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है, कितना रहेगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। तो सीधा सीधा इसको कैलकुलेट हम करेंगे। सबसे पहले जो सेलिंग प्राइस दिया गया है हमारा SP, ये हो गया भाई इतना, ठीक है। CP निकालना है हमको, परसेंटेज दिया गया है उन्होंने 24 क्या करेंगे अपन 100 / 100 + 25, ये प्रॉफिट है उसका, ठीक है। तो ये निकल के आएगा 1920 रिक्वायर्ड परसेंटेज प्रॉफिट, इसके रिस्पेक्ट में देखा गया है आपसे, ठीक है। तो ये 2040 माइनस 1920 डिवाइडेड बाय 1920 इनटू 100 हो जाएगा, तो हमारा 6.25% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें डबल डाटा दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर ये है कि पहले तो इन्होंने ये दे दिया भाई ये सेलिंग प्राइस हो गया, इस सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में 25% अपना प्रॉफिट हुआ है, तो अपन ने CP कैलकुलेट कर लिया 1920 आया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इसको फिर से सेल किया, ठीक है, और आपको 2040 में सेल किया है, तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो वही आपका
सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा और हमारा सीपी 1920 आया और हमको हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ता है। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका 6.25% यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल सेलिंग अ शर्ट, शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 7%, ही हैड गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 9%, ही हैज गॉट ₹15 लेस अ प्रॉफिट, देन मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट। अब शर्ट की आपको मार्क प्राइस बतानी है कि कितना उस पर मार्क था, कितनी प्राइस आपकी उसके मार्क थी, ये अपन को बताना है। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या है, हमने कंसिडर कर लिया कि हमारी जो शर्ट है उसकी मार्क प्राइस क्या होगी, एक्स होगी, ठीक है। और सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पे क्या होगा, ये जो है आपका 7% है पहले तो, ठीक है, डिस्काउंट 7% दिया, फिर उसने 9% दिया, ठीक है, और उसने 15% लेस प्रॉफिट कमाया, तो मतलब 9-7 करोगे आप और ये एक्स रहेगा हमारा उसकी MRP, उस पर दिया है डिस्काउंट और अपन को निकालना ये कितना है 15 है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे बेटा तो अपन को एक्स की वैल्यू आ जाएगी 750, ठीक है। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एक्स 4000 इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ द एक्स परसेंट पर एनम इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एक्स 5000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 2 ईयर, द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है आपको। अब इन्होंने एक्स एक अपन को क्या दे दिया, अननोन फैक्टर, इसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। सीधा सीधा इसमें फार्मूले से कैलकुलेट करना है, जब टू सिंपल इंटरेस्ट आर इक्वल होती हैं तो सीधा सीधा हमको इनको इक्वल कर देना, जो हमारा इक्वेशन होता है ना PRT वाला, वो इक्वल करोगे आप तो सीधा सीधा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारी 10% आ जाएगी। ये इक्वल किया हमने, प्रिंसिपल है यहाँ, प्रिंसिपल आपका ये हो जाए, टाइम दिया हुआ है अपन को 3, यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है, ये परसेंटेज दे दिया गया है, यहाँ इस वाले में सभी पैरामीटर्स दिए गए हैं, इसमें दिए नहीं गए, इसमें आपको दिया गया देखो 4000 दे दिया, ये तो हमारा हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, ये 3 ईयर्स के लिए दिया गया है, तो ये टाइम हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हमको निकालनी है यहाँ से, और यहाँ पे इन्होंने सब कुछ दे दिया आपका, ये प्रिंसिपल भी दे दिया, रेट भी दे दिया और टाइम भी दे दिया, तो जो हमारा इक्वेशन होता है ना PRT/100, ये दोनों का हमने इक्वल कर दिया PRT/100, यहाँ जो है पैरामीटर आपका एक्स नहीं दिया है, प्रिंसिपल हमको दिया गया है 4000, टाइम 3 है, ये एक्स रेट हमको निकालना है 100, यहाँ सब कुछ दिया गया है, प्रिंसिपल 5000 है, रेट 12 है, टाइम 2 ईयर है, डिवाइडेड बाय 100 करोगे, सॉल्व करोगे तो बेटा 10% हमारा इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है, पर एनम बिकम्स आर एस 10 मोर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट देन डेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, कैलकुलेट द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है इसमें भी, ठीक है, इस मेथड में भी क्या करना है आपको प्रिंसिपल, तो इसका आंसर होगा 5000, तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो हम इसको एक्स अज्यूम कर लेंगे, तो फर्स्ट ईयर आपका क्या रहेगा, ठीक है, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 104 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, तो ये क्या रहेगा हमारा एक्स इंटू 104 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4/100 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको पूरा आप सॉल्व करते रहेंगे तो हमें 5000 क्या मिल जाएगा इसका बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5000 हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सर्टेन सम ड्यू वन ईयर्स एट 30% पर एनम एट RS 240, व्हाट इज द बैंकर्स डिस्काउंट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एट द सेम रेट, तो बैंकर डिस्काउंट वाला इसमें बेटा फार्मूला यूज करना है अपन को, जो अपन ने पहले भी किया हुआ है, ठीक है, तो ये जो रहेगा हमारा सीधा सीधा इसमें फार्मूला किया, टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू 240 कर देंगे हम इसमें, 240 इंटू 30 जो परसेंटेज में दिया गया है इंटू 1 ये टाइम हो जाएगा और ये 1/100 आएगा, इसको सॉल्व कर देंगे अपन तो 72 आ जाएगा, ये तो हुआ टोटल डिस्काउंट, तो फिर अपन को जो है यहां पर अपन को कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली बैंकर डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है, तो बैंकर डिस्काउंट के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बैंकर डिस्काउंट माइनस TD करेंगे तो फाइनली हमारा 240 में इसको ऐड करना पड़ेगा, तो 312 इसका आंसर हो जाएगा, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 312 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट LCM वाला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल इजी रहता है, ठीक है, फाइंड द LCM, LCM फाइंड आउट करना, सीधा सीधा इसमें LCM अपन कैलकुलेट कर लेंगे, LCM का फॉर LCM ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, LCM ऑफ द न्यूमरेटर और SCF ऑफ द डिनोमिनेटर, तो अपन ये निकालेंगे LCM ऑफ द न्यूमरेटर और HCF ऑफ द डिनोमिनेटर, तो ये निकाल देंगे तो हमारा 20/3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन का निकालना है तो ऊपर का LCM निकालना है, नीचे का SCF निकालना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द LCM, ये आपको
0.25, 0.1 ये ऐसा दिया हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो आप। ये जैसे आपका हो जाएगा 25/100, ये 1/10 हो जाएगा, 125/1000 हो जाएगा, तो नीचे का एससीएफ कैलकुलेट कर लेंगे अपन और ऊपर का एलसीएम निकाल लेंगे सीधा सीधा, तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा इसमें 0.5। ठीक है, ये हो गया, तो इसको अपन ने उसी तरीके से किया है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने किया रिक्वायर्ड एलसीएम, एलसीएम अप टू 50 इनका अपन ने निकाला सबसे पहले, और इनटू 0.01 एलसीएम ऑफ द 250 और 100 एंड 125, तो ये कैलकुलेट करते चले जाएंगे तो हमारा 500 आ जाएगा। लेकिन वही हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर यहाँ से 0.01 से जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे आप या 1000 से डिवाइड करोगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 0.5 अपना आंसर निकल के जाएगा। इसमें है आपका द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 9 मीटर 95 सेंटीमीटर। ठीक है, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ एट विच कैन यूज मेजर द एग्जैक्टली द लेंथ इज 7 मीटर। ठीक है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो इसको क्वेश्चन को करना है हमको, तो इसमें 35 सेंटीमीटर, इसमें वही आपको करना है एससीएफ एलसीएम निकालना है हमको। रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू एससीएफ ऑफ 7 मीटर, 3 मीटर 80 इनका एससीएम निकाल देना है अपन को। एससीएफ आप इसको पूरा सेंटीमीटर यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा अपन इनको, और इसका एससीएफ कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। द सिस्टम इक्वेशन है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बारे में बताना है आपको कि ये इक्वेशन किस तरीके, यहाँ देखो इन्होंने दिया है 2x + 4y = 6 दिया है और 4x + 8y = 6 दिया है। इसको ये पूछा है एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इंडेफिनिट मेनी सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें एक्चुअल में सॉल्यूशन हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि दो आपके अननोन है इसमें ना, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अननोन इसमें टू दिए गए हैं, तो अपन इसको सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल। हाँ, अगर अपन को एक्स की वैल्यू दे दी जाएगी बेटा तो वाई की निकाल लेंगे, वाई की दे देंगे तो एक्स की निकाल लेंगे। अब इसमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, इसको अपन एग्जैक्टली नो सॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके दोनों क्वेश्चन, इनको सॉल्व करोगे तो इसका नो सॉल्यूशन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज निकालना है आपको, फाइंड एवरेज। तो एवरेज के लिए बेटा क्या करना है, इनको सबको ऐड करके जितने नंबर है हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो हमारा एवरेज 409 आ जाएगा। ये सबको टोटल किया अपन ने और डिवाइड करें, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बाकी ये इजी है, इसको आप कर लोगे नंबर मिलेंगे, टाइम दोगे नंबर अपन को मिलेंगे इसमें। इसमें अगर आप टाइम दोगे बेटा तो अपन को नंबर मिलेंगे, समझ रहे हो, और कहीं टाइम दोगे तो हो सकता है हम गलती कर जाएं, लेकिन इसमें अपन को पूरा टाइम दोगे तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। ये रेशो वाला क्वेश्चन है आपका, पी रेस टू क्यू आपका 8:15 है, क्यू रेस टू आर इतना है, तो अपन को पी रेस टू क्यू रेस टू आर निकालना है। ठीक है, ये अपन को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए सिंपल सा मेथड होता है, जब हमको पी क्यू दिया है, ये दिया है, तो पी क्यू आर के लिए क्या होगा आपका 8 × 3 = 5 × 3 × 15 × 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते जाओगे तो हमको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सीधा सीधा इसका आंसर रहेगा। फिर है नेक्स्ट है ये मिल्कमैन 15 लीटर ऑफ मिल्क मिक्स विद 3 लीटर ऑफ वाटर, द प्राइस पर के जी ऑफ द मिक्सचर बिकम, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क पर लीटर। ठीक है, ये उन्होंने पूछा है, इफ द प्राइस पर मिक्सचर इज बिकम्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर। 1 लीटर मिल्क 15 लीटर जो है मिक्स किया गया है किससे, 3 लीटर से, और वो आपसे पर लीटर प्राइस को पूछ रहे हैं, तो 26 इसमें आंसर है, एलिगेशन का क्वेश्चन है सीधा सीधा। तो वो सीपी ऑफ मिल्क अपन ने क्या कर लिया, एक्स कंसीडर कर लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एलिगेशन, पीसेस ऑफ एक्स पीसेस ऑफ वाटर 0 लिया, मीन प्राइस हमारा 22 है। ठीक है, यहाँ से आपका 22 आएगा, यहाँ से एक्स माइनस 22 आएगा, इनको अपन सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा 226.40 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शांतनु कंप्लीट 5/8 ऑफ अ जॉब इन 20 डेज, एट द रेट हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक फिनिश द जॉब। ठीक है, ये वर्क इन टाइम का क्वेश्चन है अपना, वर्क इन टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें सीधा सीधा दिया गया है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज एक्स अपन ने एज्यूम कर लिए, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा भाई 1 − 5/8 = 3/8, लेस वर्क डेज लेस डेज। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन चलेगा इसमें 5/8 = 3/8 = 20 × x हो जाएगा, इसमें x की वैल्यू निकालोगे आप तो 12 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी एफ जेड ए, ठीक है, इतना डिग्री, ये पूरा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा,
इसमें 20 डिग्री सेल्सियस है, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी एंड ए डी ए डी वन बी सी वी डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन ए डी की लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, पूरा अपन डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा अपना डायग्राम बन जाएगा, ट्रेंगल बनेगा हमारा ए बी सी। ठीक है, इसमें पूरा ये पैरामीटर दिए गए हैं, एंगल सी आपको दिया गया है, ये दिया गया है, अपन को पूछा गया है कि भाई ए डी की वैल्यू पूछी गई, ए डी की वैल्यू कितनी होगी, ए डी इज इक्वल टू क्या होगा आपका बी डी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर हमारा, 10 45 की वैल्यू आपको यहाँ पे रखना पड़ेगी तो 1 आ जाएगी, तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू क्या आएगा 10 45 आएगा, और जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर अगला, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ तरुण एंड वरुण 3:7 दिया है रिस्पेक्टली आफ्टर 4 ईयर, द वरुण एज विल बी 29 बट एट द तरुण एज। ठीक है, सीधा सीधा इक्वेशन बनाना है हमें इसमें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आपका दिया गया है तरुण की, आपका यहाँ दिया तरुण एंड वरुण एज 3x ईयर्स एंड 7x ईयर रिस्पेक्टिवली, तो अपन ने 4 साल का लिखा हुआ है आफ्टर। ठीक है, 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 39, तो x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, यहाँ वैल्यू रख दोगे, ये किसकी एज पूछी अपन लोगों से इस क्वेश्चन में, हाँ ये भाट एज द तरुण एज 4 ईयर से हो, तो आप इसमें सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे और हमको x की वैल्यू 5 मिल गई, उसमें ऐड कर दोगे आप। ठीक है, यहाँ से आपको सीधा सीधा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 × 5 इज इक्वल टू क्या होगा 4 है, माइनस आएगा इसमें क्योंकि एगो है, तो आपका ये रहेगा 15 माइनस, तो 4 क्या आएगा 11 ईयर्स आ जाएगा, क्या आएगा 11 ईयर्स अपना आफ्टर में प्लस होता है। टू मैन ए एंड बी ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट पी टू क्यू, डिस्टेंस 2084 एंड 12 किलोमीटर पर आवर एंड 16 किलोमीटर पर आवर, ये भाई डिस्टेंस है हमारी, ये ए है और ये बी है, 84 में अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं लोग, बी दिस क्यू एंड रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट ए टू आर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर, पी टू आर की डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी है। इसमें अपन को क्या एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखो गिवन डिस्टेंस कितना दिया है बेटा अपन को 84 दिया है, गिवन डिस्टेंस कितना है अपना 84 दिया हुआ है, गिवन डिस्टेंस अपना कितना है 84 दिया गया है, देखो आपको गिवन डिस्टेंस कितना दिया गया है 84 दिया गया है, स्पीड जो है ए की है वो 12 किलोमीटर पर आवर है और बी की इतनी दी गई, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला डिस्टेंस ट्रेवल बाय, ठीक है ये फार्मूला रहता है, ए इज इक्वल टू पी आर इंटू टू डिस्टेंस ए और ए प्लस बी। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है तो सीधा सीधा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 72 किलोमीटर आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 72 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक ट्रेन रिटर्निंग द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और 15 सेकंड में पास कर जाती है, इजी क्वेश्चन है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपन को निकालना है तो अपन को स्पीड है उसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5/18 आएगा इनटू क्या हो जाएगा आपका 15, इसको सॉल्व करोगे अपना तो आंसर आ जाएगा, ये सीधे सीधे सबसे सरल क्वेश्चन होता है, इसमें 300 अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ये कार्ड ड्रा फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ द कार्ड, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ क्वीन क्वीन ऑफ क्यूब और टेकिंग हाफ हार्ट इच। ठीक है, तो इसमें देखो आपको अगर दोनों का टोटल तो हमें पता है कितने होते हैं 52 होते हैं, 1 क्वीन ऑफ द क्लब 1 क्वीन ऑफ द हार्ट, तो ये इसमें प्रोबेबिलिटी 2 है, तो 2/52 करोगे बेटा तो 1/ कितना आएगा 26 आ जाएगा, 1/26 अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/26 अपना एकदम परफेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 स्क्वायर इक्वल बेस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। बेटा वही सिंपल सा फार्मूला आपको लगाना है, ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया गया, इसका स्क्वायर है 40, ठीक है, और इसका बेस 28 दे दिया, हाइट निकाला है तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 40 इज इक्वल टू आएगा 1/2 बेस कितना दिया है बेटा 28, हाइट निकालना है तो यहां से हो जाएगा 80/28, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 4 से करते हैं तो ये आएगा 20 और ये 7, तो 20 डिवाइडेड बाय
7 आएगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये पैरामीटर में कन्वर्ट होके हमारा सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा ये, क्योंकि आपका कंप्लीट नहीं है, डेसिमल वाला है, तो इसमें 2.7 अपना आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको ध्यान रखें बेटा। देखो पेपर करना है आपको, तो मैथमेटिक्स में देखो पढ़ने के लिए बहुत समय लगता है, आराम से प्रैक्टिस से होती है चीजें। तो मैं तो ये कहता हूँ ज्यादा अगर स्पीड वगैरह के क्वेश्चन आते तो उनको बिल्कुल प्रॉपर पेन से लिख के करते चलें। बाकी आप प्रॉपर करें, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आपके लिए सभी के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करते रहें। ठीक है, आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, ध्यान से पेपर को सॉल्व करना है। आपका पेपर सभी लोग बच्चों का बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ओके।